अब हम अपना फॉरेसी ऑप्शनल का जो नया बैच है 2020 के लिए उसे स्टार्ट करते हैं। अपना जो सिलेबस है फॉरेस्ट्री का, इसे यूपीएससी दो पेपर में डिवाइडेड कर देता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। फिर हर पेपर को दो सेक्शन में डिवाइडेड है, ए एंड बी। अब यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल होता है कि इनमें से कौन सा सेक्शन है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या किसे हमें पहले कर लेना चाहिए। अब देखो, हर सेक्शन का एक फिक्स एरिया है और उस सेक्शन से या उस एरिया से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं। जो सिलेबस सेक्शन ए में है उसके क्वेश्चन यूजुअली सेक्शन ए में पूछ ही रहे हैं, तो सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो इस टाइप से आप सेक्शन को ये नहीं बोल सकते हो कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा कम इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये बोल सकते हो कि कौन सा सेक्शन है जो आपको थोड़ा आसान जाएगा समझने में, जो सेक्शन आपको आसान जा रहा है समझने में उन्हें सबसे पहले कवर कर लो, ठीक है। दूसरों को थोड़ा बाद में देख सकते हो। हाँ, एक काम किया जा सकता है कि हर सेक्शन में कुछ कंटेंट है, कुछ सिलेबस है, उस सिलेबस में से यानी कि जो आपके सब्जेक्ट हैं उनको आपने चैप्टर वाइज डिवाइडेड कर रखा है, तो जो चैप्टर थोड़ा आसान है समझने में आसान है या जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं उनको हम पहले कवर कर लें, और रिमेनिंग पार्ट जिससे क्वेश्चन कम आए हैं उनको बाद के लिए भी छोड़ा जा सकता है। इस टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अब मेन मुद्दा आता है अपना पेपर 1, उसको देख लेते हैं। पेपर 1 के दो सेक्शन है, आपको पता है। पेपर जो सेक्शन 1 है उसमें लगभग 4 सब्जेक्ट है अपने, और सेकंड सेक्शन जो है उसमें 6-7 सब्जेक्ट आते हैं। ये सब्जेक्ट का क्या है, क्या एज पर अपना जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इन्हें बांट लेते हैं, क्या करना है उसका। इसमें जो पहला सेक्शन है ए, उसमें मेनली आता है अपना सिल्वीकल्चर। अब सिल्वीकल्चर को यहाँ दो पार्ट में डिवाइडेड कर रखा है। इसके पीछे एक रीजन है। रीजन क्या है कि अगर कोई नोट्स अगर 250-300 पेज का एक साथ अगर आपको बल्क में दे दिया जाए, तो स्टूडेंट की आदत क्या होती है कि वो हमेशा जब भी श्री गणेश करना शुरू करते हैं पढ़ने का, स्टार्टिंग के फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पेज से शुरू करते हैं, और लगभग वो 400-500 या अगर पेज की बुक है, नोट्स हैं, तो वो 100-150 पेज तक तो सही से पढ़ते हैं। इसके बाद आते आते 4-5 दिन में लड़क जाते हैं। उसका रिजल्ट होता है कि लास्ट के लगभग 50 या 100 पेज ऐसे होते हैं जिन पर थोड़ा कम ध्यान देता है या छूट ही जाते हैं। अब अगर 4 दिन बाद इनने दोबारा से पढ़ना शुरू किया तो फिर वहीं से शुरू करेंगे 1, 2, 3। तो जो लास्ट का सेक्शन ऐसा होता है जिसपे बहुत कम कंसंट्रेशन हो पाती है और अक्सर वो छूट जाते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि छोटे छोटे पार्ट डिवाइड कर दिए जाए। हाँ, दूसरा एक इशू और है, वो है कि अगर आप एक ही पार्ट में या एक ही नोट्स में अगर पिछले 10 दिन पढ़ रहा है और वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो दिमाग में थोड़ा जाता है कि इतना टाइम से कंप्लीट करने में लगा हूँ और कुछ भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, मीन्स एक सेटिस्फेक्शन टाइप का ब्रेन में नहीं आता है। तो अगर ये छोटे छोटे पार्ट में है तो कम से कम ये लगता है कि हाँ, कम से कम ये तो हो गया। तो ये वजह है कि यहाँ पर सिल्वीकल्चर को दो वॉल्यूम में डिवाइड करके दे रहा हूँ। फर्स्ट लगभग 100-100 पेज के समथिंग होंगे, छोटे ऊंच नीच हो जाती है बट इसी रेंज में रहेंगे। अदर भी लगभग इसी टाइप के 100 पेज या 120 की समथिंग रहेंगे सभी वॉल्यूम। तो यहाँ जो पेपर 1 का जो वॉल्यूम ए है उसमें हम जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है किसके, सिल्वीकल्चर के, उनको पढ़ेंगे। मतलब इसमें क्या होगा कि जैसे सिल्वीकल्चर में क्या करोगे, आप फॉरेस्ट की स्टडी करोगे, तो फॉरेस्ट को जो अपने क्लाइमेटिक, एडाफिक, टोपोग्राफिक या बायोटिक, ये जो फैक्टर 4 रहेंगे वो किस टाइप से इफेक्ट करते हैं, इन फैक्टर की स्टडी को हम ध्यान देंगे। दूसरा, फॉरेस्ट उस इन्वायरमेंट को कैसे इफेक्ट करता है, इस चीज़ को ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये अपने लगभग 7-8 जो है टोटल 12 चैप्टर रहेंगे, इनका हम वॉल्यूम 1 में करेंगे, और सेकंड पार्ट जो होगा वो एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन पार्ट रहेगा, तो वहाँ एप्लीकेशन वाली चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अदर आपके जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं कि हम फॉरेस्ट ही क्यों चूज करें, आखिर पढ़ूँ कैसे, लेक्चर कैसे मिलेंगे, डाउट कैसे क्लियर होंगे, इसके लिए अलग से एक वीडियो है, आपको उसे उसे देख लेना है, या 1-2 दिन में उसे अपलोड दोबारा से कर दूंगा तो वहाँ पर हो जाएगा। यहाँ डिस्कस करने के लिए अपन को ज़रूरत नहीं है। अब अपना एक दूसरा इशू है, ऑब्वियसली ये जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो उस टाइम पे आपके पास जो नोट्स हैं वो नहीं होंगे। इन दैट केस आप एक काम कर सकते हो कि वैसे जब आपके पास नोट्स हो तो हमेशा आप वीडियो देखते समय अपने पास नोट्स रखेंगे, क्योंकि बहुत सारा ऐसा कंटेंट होता है जो हमेशा नोट्स में एक्सप्लेन करना या लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। कई बार उसे वॉइस में या वीडियो टाइप के थ्रू
एक्सप्लेन कर दिया जाता है, तो अगर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ इम्पोर्टेंट मिल गया, तो उसे वहीं पे साइड में लिखा जा सकता है। दूसरा, जब तक आपके पास नोट्स नहीं है, तब तक आप एक A4 पेपर उठा लो और जो भी कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है उसमें लिख लो। जनरली आपके पास सॉफ्ट कॉपी स्टार्टिंग के 6-7 चैप्टर की होगी, तो वहाँ से मिल जाएगा। हाँ, एक नेक्स्ट है कि क्या आपके वीडियो या नोट्स में सब कुछ होगा, सब कुछ कवर होगा? तो भाई, यहाँ पर जो अपना पर्पज है वो है पेपर निकालना। मैं ट्राई करूँगा कि फॉरेस्ट्री का जो सब कुछ कोर रीजन है वो पूरा कवर होगा। ठीक है, आपको इसके अलावा जो 2020 का बैच है, तो इसका मैं बोल सकता हूँ कि 2020 के बैच के लिए अलग से, जैसे कि मणिकनंदन बुक है या अदर कोई भी बुक है, कोई भी बुक रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको पूरा नोट्स में होगा, ये जो नोट्स होंगे आपको, हर जो भी नोट्स होगा उसके पास में आपको रेफरेंस के लिए बुक्स लिखी होंगी। इसके पीछे रीजन ये है कि आपके जो नोट्स हैं, ये नोट्स भले ही 1000 पेज के समथिंग होंगे, 1000 to 1200 के समथिंग है, ठीक है, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिला देंगे तो उसको मिला करके ऐसा हो जाएगा। बट ये 1200 या 1200 ऐसा नहीं है, ये लगभग आपके जो अदर बुक्स हैं, टोटल बुक्स को मिला लोगे तो ये लगभग 9000 के ऊपर पेजेस होंगे जिनका रिव्यू है। इवन इससे ज़्यादा चला जाएगा, क्योंकि एकेडमिक के टाइम पे लगभग 80 to 100 बुक्स के समथिंग रिफ़र कर चुका हूँ, तो ये लगभग सभी का क्रक्स ही आता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास यही है, वो बहुत कुछ उसमें निचोड़ होता है, तो यूजली आपका सब कुछ कवर हो जाता है। हाँ, फिर भी होता है क्या है कि ट्रेडिशनली बहुत सारा सिलेबस है, सिलेबस इतना नहीं पॉसिबल है कि मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि अगर सब कुछ पढ़ोगे तो फॉरेस्ट्री में अगर PhD कर ली तो अदर सब्जेक्ट में लॉस हो जाता है, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है। अगर फॉरेस्ट्री बढ़ाओगे तो दूसरा कहीं लॉस होगा, और फिर आपके पास GS और इंग्लिश भी रहता है। मेन मुद्दा आता है अपना सिल्वीकल्चर, तो यहाँ सिल्वीकल्चर का जो चैप्टर 1 है उसे स्टार्ट करते हैं। आपके नोट्स का जो पहला चैप्टर है वो है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट्री एंड सिल्वीकल्चर। मीन्स यहाँ पर आपको ये समझना है कि आखिर फॉरेस्ट होता क्या है, फॉरेस्ट्री है क्या, और ये सिल्वीकल्चर क्या भला है। तो समझने के लिए, आसान जाने के लिए, हम इसे एक काम कर लेते हैं कि 5 सब टॉपिक में डिवाइडेड कर देते हैं कि फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट्री क्या है, सिल्वीकल्चर क्या है, और फॉरेस्ट का आखिर हम इतना बवाल जो खड़ा कर रखा है तो इसका हमें इम्पोर्टेंस क्या है, हम पढ़ना क्यों चाहते हैं, और लास्ट में एक छोटा थोड़ा रिव्यू पार्ट है हिस्ट्री, जो फॉरेस्ट्री का जो डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में उसकी एक हिस्ट्री, एक क्रोनोलॉजी। तो पहले हम देखते हैं फॉरेस्ट। जब भी मैं कभी बोलता हूँ कि फॉरेस्ट, या आप जब भी फॉरेस्ट टर्म समझते हो तो आपके दिमाग में हमेशा एक ऐसी घनी वेजिटेशन वाला एक पिक्चर याद आ जाती है, ये इस टाइप की डेंस कैनोपी या ये इस टाइप की। दिमाग में फॉरेस्ट मतलब बिल्कुल इस टाइप के एरिया जहाँ बिल्कुल नेचुरल वेजिटेशन है, इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, नेचुरल वेजिटेशन है, ऐसा सॉइल का एरिया है जिसपे, या ऐसा सरफेस है, अर्थ की सरफेस है जिसे फॉरेस्ट ने कवर कर रखा है और पूरा पूरा नेचुरल है, जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। तो अगर आपको फॉरेस्ट को डिफाइन करना है या लिखना है कि ये फॉरेस्ट आखिर होता क्या है, तो इसे आप इसी टाइप से लिख सकते हो। इसे हम बोल सकते हैं ये है एक इकोलॉजिकल डेफिनेशन, मतलब अनकल्टिवेटेड लैंड है जिसे नेचुरल वेजिटेशन ने कवर कर रखा है। इसकी जो कैनोपी है वो या तो पार्शियली हो सकती है या कंप्लीटली क्लोज हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक कुछ लोगों का मुद्दा है कि ये आखिर ये कैनोपी होती क्या क्या है। तो कैनोपी को इस सब समझ लो कि जैसे ये पेड़ है, ठीक है, अब यहाँ पर ये ट्री है, तो इसने अगर आप ऊपर से देखोगे, जैसे इसे देख रहे हो, इस ये 1 by 1 by 1 meter को ले लो, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये केवल ये एरिया छोड़ दो, रिमेनिंग एरिया है जो पूरा पूरा ग्रीन कवर से कवर है। तो एक्चुअली ये इसका जो है, ये क्या है, ट्री का क्राउन है। अगर यहाँ पर देखोगे तो ये ट्री का क्या है, क्राउन है। अगर आप कोई यूनिट एरिया ले लेते हो, जैसे कि ये यूनिट एरिया ले रखा है, इस यूनिट एरिया का कितना परसेंटेज है जो कैनोपी ने कवर कर रखा है, यानी कि अगर आप ऊपर से जैसे यहाँ देख रहे हो तो कितना एरिया है जिसमें आपको नीचे की जमीन दिख रही है, तो आपको पता पड़ेगा कि यहाँ अगर आपने एक कोई यूनिट या सैंपल प्लॉट डाला, वहां पर आपको बिल्कुल नहीं दिख रही है, इसका मतलब है वो बिल्कुल 100% क्लोज कैनोपी है। जहाँ थोड़ा बहुत कुछ जमीन दिख रही है उसे हम बोल देते हैं पार्शली कैनोपी है। तो ये जो कैनोपी है, एक्चुअली यही कैनोपी है जिसके बेस पर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो अपना रिपोर्ट बनाती है ना,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, वो उसमें भी यही बेस यूज करती है। वो जो फॉरेस्ट को क्लासिफाइड करता है वो भी ऐसे ही करता है, वो एक्चुअल में क्या करता है इसकी है, सैटेलाइट यूज करता है। तो सैटेलाइट का एक पिक्सल बनने के लिए उसके पास एक क्राइटेरिया है कि अगर कम से कम 1 हेक्टर का जमीन हो, 1 हेक्टर, ठीक है, प्लस वहां पर जो कैनोपी है वो कम से कम 10% हो। अगर 10% हो, 1 हेक्टर का एरिया हो और जिसमें 10% अगर कैनोपी हो, तो वो एक पिक्सल हल्का बना देता है। तो इस हिसाब से उन्होंने बोला कि 1 पिक्सल बन सकता है, तो हम इसे फॉरेस्ट में काउंट कर सकते हैं, क्योंकि काउंट करना हमारे लिए पॉसिबल हो पाता है। इस टाइप से उन्होंने फॉरेस्ट की 3 कैटेगरी की, एक को बोल दिया ओपन फॉरेस्ट, दूसरे को बोल दिया मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, मतलब बोर फॉरेस्ट, जहाँ की जो डेंस, ओपन फॉरेस्ट वो है जिसका 10% से 40% तक है इसकी, ठीक है, कैनोपी डेंसिटी। मॉडरेट वो है जो 40 से 70 है, और वेरी डेंस वो जो 70 से भी ज्यादा है, ठीक है। तो देखो डेंस तो ये दोनों ही है, ये बस मॉडरेट है और ये है वेरी, लेकिन डेंस दोनों है। तो जनरली जो हमारे डेंस फॉरेस्ट होते हैं उन्हें हम बोल सकते हैं कि 40% से जो ऊपर है उन्हें हम डेंस फॉरेस्ट बोल लेते हैं। तो यहाँ पर पर्पज अपना वो नहीं है, पर्पज यहाँ पर है कि कैनोपी होती क्या है वो बताना था। ओके, बकाया का डिस्कशन बाद का काम है, अभी यहाँ पर मुद्दा नहीं है अपने लिए। तो आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई कि फॉरेस्ट क्या होता है, कि ऐसा लैंड जिस पर किसी इंसान ने नहीं लगाया, पेड़ अपने आप उगाए, नेचुरल वेजिटेशन वहां पर उग रखी है। लेकिन क्या इस बेस पे आप किसी एरिया के कोई इशू सॉल्व कर सकते हो? मीन्स ऐसा सेम एरिया मेरे अगर मैं अपने फार्म पे लगा दूं, तो क्या कल आप उसे फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दोगे? बोल दोगे ये तो नेशन जो है उसके अकॉर्डिंग अगर मैंने अपने 2 हेक्टर में ये फॉरेस्ट ग्रो कर दिए और मेरी पूरी लाइवलीहुड उस 2 हेक्टर पर डिपेंड है, तो मैं तो ट्राइबल में आ गया। तो ऐसा तो नहीं चल सकता ना। तो क्योंकि गवर्नमेंट का कुछ ऑथेंटिसिटी चाहिए होती है, इसलिए वो एक डेफिनेशन लेके आते हैं जिसे हम कोर्ट में प्रूव कर सकें, इसलिए इसे बोलते हैं लीगल डेफिनेशन। मतलब कोई भी एरिया हो जिसे चाहे सेंटर गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, या कोई लोकल अथॉरिटी, व्हाटएवर, जो भी अथॉरिटी हो, वो अगर उस एरिया को बोलती है कि ये एरिया फॉरेस्ट है, तो हम उसे फॉरेस्ट मानेंगे, चाहे उस एरिया में वेजिटेशन हो, ठीक है, वहां पर वेजिटेशन हो भी सकती है और नहीं भी। इन दैट केस, दोनों ही केस में वहां पर वो माना जाएगा कि ये फॉरेस्ट है, ठीक है, ये है लीगल डेफिनेशन। अब एक तीसरा मुद्दा है, वो है फैक्ट जो है वो है हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल कैसे समझो कि मिडिवल जो यूरोप था वहां पर नए नए जो नवाब थे, दैट मींस जो नोबल्स थे, वो नए नए पावर राइज हुई वहाँ, ठीक है। तो ये जो नई नई पावर राइज हुई, इनने क्या किया, सपोज यहाँ पर लेते हैं कि एक बड़ा एरिया है जो राजा ने इन्हें डोनेट कर दिया, दान में दे दिया। तो इन्होंने बीच में क्या किया, यहाँ पर अपना जो कैसल था, अपने किले बंदी है, महल बना डाला। जो इनके लेबर थे, मकान थे, जो गांव थे, विलेज है, वो यहाँ पर इन्होंने इस टाइप से छोटे छोटे विलेज बसा डाले, ठीक है। और ये पूरा जो एरिया था इस पे ये क्या कर रहे थे, खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर। अब आपको पता है कि इनके पास फूड के लिए तो ये फार्मिंग कर रहे हैं, बट इनकी जो टिम्बर डिमांड है वो कहाँ से होगा? ये तो यूरोप वाले हैं, जब भी सर्दी पड़ेगी तो इन्हें तो वुड चाहिए जलाने के लिए, तो फिर टिम्बर कहाँ से आएगा? तो ये एक्चुअली इनके पास ये एरिया है, ये जो साइड का जो एरिया था, ये वाला जो बाउंड्री एरिया है, ये वाला जो है, यानी कि ये वो एरिया है जो एक्चुअली एक्चुअल में इनके लिए एग्रीकल्चर के लिए फिट नहीं था, ठीक है। तो उस एरिया में इन्होंने बड़े बड़े पेड़ लगा दिए, इसको इन्होंने एक टर्म बोल दिया, या तो इसे बोल देते हैं ये वुड लैंड, ठीक है, या बोलते हैं फॉरेस्ट। मतलब आपके टोटल एरिया, या कोई नवाब का वो एरिया, या ए नोबल का वो जो उसे दिया गया एरिया था, जिसका वो एरिया जो इन्होंने एक साइड रख दिया, जिसका पर्पस है टिम्बर का प्रोडक्शन करना, या उससे फॉरेस्ट से जो प्रोड्यूस है उनको कलेक्ट करना, उसको ये फॉरेस्ट बोलते थे। तो ये कहाँ से शुरू हुआ स्टोरी, कहीं ना कहीं मिडवल यूरोप से शुरू हुई। तो ये यूरोप वाले जब भी कुछ होते हैं कहाँ से उठा के ले आते हैं, लैटिन से, ठीक है ना। तो ये जो वुडलैंड बोलते थे, इसी को इन्होंने जो टर्म दिया है फॉरेस्ट,
क्या फॉरेस्ट। तो एक्चुअली जो फॉरेस्ट है वो एक लैटिन टर्म है, लैटिन टर्म है फोरिस। ये फोरिस से बना हुआ है। फोरिस का मतलब होता है आउटसाइड द विलेज बाउंड्री, मतलब वो वुडलैंड जो विलेज बाउंड्री के बाहर है, यानी कि विलेज बाउंड्री के पास है या विलेज बाउंड्री पर है, उसे फॉरेस्ट बोलते थे। तो ये डेफिनेशन है वहां से डिराइव्ड हुई है, तो इसे हम जनरली बोलते हैं टेक्निकल डेफिनेशन। तो यहाँ पर आप तीनों चीजें पढ़ चुके हो, यहाँ अपन देख चुके हैं कि इसकी इकोलॉजिकल डेफिनेशन क्या है फॉरेस्ट की, लीगल डेफिनेशन क्या है, और एक टाइप से टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, हम तीनों ही देख चुके हैं। अब जब भी आता है, कई बार एक टर्म आ जाता है जंगल बुक, यानी कि जंगल। रूडयार्ड किपलिंग का नाम सुना होगा अपने, यहाँ जो पन्ना नेशनल पार्क है एमपी में, वहां उसमें वो कभी गए होंगे घूमने तफरी मारने, तो वहां पर उन्होंने एक बुक लिखी थी उसी पे बेस पे, जंगल बुक, ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग की। तो यहाँ पर इशू आता है कि आखिर ये जंगल और फॉरेस्ट में फर्क क्या है, क्योंकि क्या दोनों एक ही है? तो देखो, फॉरेस्ट कहाँ का आया, वेस्ट का, यूरोप का। हम अब वहां पर फॉरेस्ट जो है, यानी कि उनका जो वुडलैंड था, वो तो नेचुरल थोड़ी था, वो तो आर्टिफिशियल था, क्योंकि मिडिवल में पहले तो इन्होंने अपने खेत साफ कर दिए ना, जब उनकी जरूरत पड़ी, जब उन्हें टिम्बर की जरूरत पड़ी, तब उन्होंने वहां पर प्लांटेशन की, तो वुडलैंड तो लगाए गए हैं वहां पर, उन्हें छोड़ा थोड़ी था कुछ। जबकि हमारे यहाँ हमने कभी फॉरेस्ट को तो पूरा पूरा डिफोरेस्ट किया ही नहीं। तो हमारे यहाँ जो है मोगली वाली, अगर जिसने मूवी देखी हो, कि हमारे यहाँ तो जो एरिया था, इस टाइप के जो एरिया थे, वो तो पूरे पूरे नेचुरल थे, जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस था ही नहीं। तो जो हमारे एरिया थे, मीन्स ऐसे एरिया जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, ऐसे एरिया को बोला जाता है जंगल। और ऐसे एरिया जो कि टोटल मैन इंड्यूज है, मतलब यहाँ पर हर जगह इंसान ने इंटरफेरेंस की है, उन्हें बोल सकते हैं फॉरेस्ट। तो जब ये जंगल टर्म एक बार ब्रिटिश ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल है, मतलब आप इसे जंगल लिख सकते हो, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे जो इंटरनेशनल लेवल के जो रिसर्च पेपर आ रहे हैं, वो भी इसे जंगल को यूज करते हैं, ठीक है। अब मुद्दा ये आता है कि कई बार फॉरेस्ट को जो वेस्टर्न वाले हैं, वो जंगल और फॉरेस्ट में डिवाइडेड नहीं करके वो बोल देते हैं, जो अपना जंगल है इसे बोल देते हैं नेचुरल फॉरेस्ट, इसे बोल दिया उन्होंने नेचुरल, और इसे बोल दिया उन्होंने मैनमेड, ठीक है। तो इस टाइप से दो पार्ट में डिवाइडेड कर देते हैं वो, नेचुरल फॉरेस्ट और मैनमेड फॉरेस्ट। तो यहाँ पर जो अपना फॉरेस्ट का इश्यू था वो देख लिया हमने, इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देख लिया, इसकी डेफिनेशन जो तीन थी, टेक्निकल, लीगल और इकोलॉजिकल, वो देख ली। अब मुद्दा था इसके क्लासिफिकेशन का। तो फॉरेस्ट है उसे हम जनरली 8 टाइप से क्लासिफाई करते हैं, यानी कि 8 टाइप्स में उनको क्लासिफाई कर लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम नॉर्मल बेस में बैठ करके बुक को क्लासिफाई कर लेते हैं, कि कौन सी आई, ये बड़ी बुक है, ये छोटी बुक है, ये मोटी है, ये पतली है। तो बस सिंपल सा ऐसे ही तरीका है, तो फॉरेस्ट को जस्ट बेसिक क्लासिफाई कर लेना है। इनमें पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है एज के बेस पे। देखो, अगर कोई एरिया जो है, यानी कि जो फॉरेस्ट है, यानी कि वेजिटेशन है, हाँ, यहाँ देखो जो जंगल टर्म था उसे हमने वहां पर पढ़ा था, और उसके बाद वहीं छोड़ देंगे, इसे जंगल को ज्यादा लेके नहीं चलते हैं, क्योंकि जैसे ही हम आगे पढ़ेंगे, ये जंगल टर्म जनरली यूज नहीं होता है, वो उसे जंगल टर्म को हम जनरली बोल देते हैं नेचुरल फॉरेस्ट और मैनमेड फॉरेस्ट, इस टाइप से कन्वर्सेशन चलता है, जंगल टर्म यूज नहीं करते। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम एज के बेस पे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, तो एज के बेस पे हमारे, एक तो जैसे ये नेचुरल फॉरेस्ट है, तो यहाँ पर क्या होगा, हर एज ग्रुप के ट्रीज होंगे। जब हर एज ग्रुप के होंगे, तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट होंगे वो होगा अन ईवन एजेड, ठीक है। जबकि ये जो आर्टिफिशियल है, जहाँ पर हमने खुद ही लगाए हुए हैं, तो जो भी है ऑब्वियसली हमने एक ही साल लगाए होंगे, अगर सपोज हमने प्लांटेशन की थी 2008 में, जो आज ये सब के सब पेड़ कितने होंगे, 11 ईयर्स के या 12 ईयर के, तो सभी की एज क्या होगी, सेम होगी, इसलिए हम इसे बोलते हैं इवन एजेड फॉरेस्ट या इवन एजेड स्टैंड। ये स्टैंड क्या होता है, आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो एज के बेस पे हम फॉरेस्ट को दो टाइप कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक होते हैं इवन एजेड
और दूसरे होते हैं अनइवन एजेड। दूसरा मुद्दा आता है फॉरेस्ट का रीजनरेशन। फॉरेस्ट रीजनरेट कैसे होते हैं, फॉरेस्ट लगेंगे कैसे? जैसे मैंने बोला कि फॉरेस्ट का रीजनरेशन के सीधे से मुद्दे हैं, एक है नेचुरल तरीका कि वो फॉरेस्ट कैसे है, नेचुरल है, बाय नेचुरल है, इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। दूसरा हम फॉरेस्ट बोल सकते हैं मैन मेड फॉरेस्ट। अब आपको पता है कि नेचुरल जो है यानी कि यहाँ पर ह्यूमन फैक्टर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नेचुरल तो कैसी भी हो सकता है ना। नेचुरल मीन्स मतलब सपोज ये पेड़ था एक, इस ट्री से क्या हुआ, इससे सीड फॉल होंगे तो सीड बाद में आकर के सीड जर्मिनेट हो जाएंगे, सीड जर्मिनेशन से जो फॉरेस्ट होगा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हाई फॉरेस्ट। इसको हम आगे देखते हैं। जैसे आपके पास था ये नेचुरल फॉरेस्ट, ठीक है, अब यहाँ पर वही मैंने बोला कि इसका सीड है, सीड गिरा नीचे जर्मिनेट हुआ, तो इसका रीजनरेशन की दो बेस हो सकते हैं, या तो हम ये देख सकते हैं कि ह्यूमन है या नहीं है, दूसरा हम बेस ये देख सकते हैं कि एक्चुअल में जर्मिनेट कैसे हो रहा है, यानी कि एक तो सीड से हो रहा है, सीड से हो रहा है तो हम इसे बोलते हैं हाई फॉरेस्ट। जो MCQ बेस्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो तो ये कम से कम हाई फॉरेस्ट है, दैट मीन्स सीड से जर्मिनेटेड है, इसको याद ही रख लें, ये कम से कम 10 से 20 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। दूसरा क्या होता है, दूसरे सिस्टम को देखते हैं कि सपोज ये अपना प्लांट था, ठीक है, ये इसका क्या हो गई कैनोपी, ये इसका हो गया मेन स्टेम, अगर इसे आप यहाँ से कट कर देंगे तो क्या होगा, जो इसका ये स्टंप है इसे क्या बोलते हैं, स्टंप, ठीक है, स्टंप है, इसमें क्या होगा कुछ दिनों बाद यहां से थोड़ा थोड़ा ये जो ग्रोथ हो जाती है इसे बोलते हैं कोपाइस, ठीक है, ये हो गई कोपाइस ग्रोथ। तो या तो फॉरेस्ट इस टाइप का है कि जो सीड से जर्मिनेट है तो उसे बोलते हैं हाई फॉरेस्ट, या दूसरा होता है ये जिसे बोलते हैं कोपाइस फॉरेस्ट, ठीक है। अब ये कोपाइस फॉरेस्ट कैसे होता है, मान के चलो आपके पास यहाँ पर जो एरिया है ये आपका लगाया हुआ फॉरेस्ट था, अब इसमें मान के चलो क्या लग गई, आग लग गई, ठीक है, क्या लग गई, फायर। अगर इसमें फायर लग गई तो फायर पूरे एरिया को साफ कर देगा, या फिर कभी साइक्लोन आ गया, साइक्लोन पूरे पेड़ों को उठा के लेके चला गया, तो उनका जो नीचे का जो जमीन में जो पार्ट बचा रह गया यानी कि जो स्टंप रह गए, तो स्टंप से ये वापस ग्रो कर जाएगा, जो वापस ग्रो कर जाएगा वही हो जाएगा अपने कोपाइस। तो इस टाइप से नेचुरल फॉरेस्ट और मैनमेड हो गया, और आप नेचुरल फॉरेस्ट को रीजनरेशन के बेस पर डिवाइड कर सकते हो कि वो कैसा है, सीड वाला है कोपाइस वाला है। ऐसे ही हम देख लेते हैं मैनमेड। मैनमेड फॉरेस्ट का सबसे अगर बेस्ट एग्जांपल ले लो तो वो है एक कोनोली प्लांटेशन, कोनोली प्लॉट लिख रखा है। कोनोली जो था इसने 1842 में प्लांटेशन की थी, कहाँ, नीलाम्बर, नीलाम्बर टीक प्लांटेशन, आगे देखेंगे इसे याद रखना होता थोड़ा बहुत, ठीक है, कहाँ, नीलाम्बर है, नीलाम्बर ये है केरल में, ठीक है, उसे अभी GI टैग भी मिल गया था पिछले साल। तो अब आर्टिफिशियल कोई इंसान करेगा तो कहाँ से कर सकता है, एक तो यह है कि कहीं से जंगल से सीड कलेक्ट लेके आ जाए और उन सीड से ग्रो कर दे, दूसरा है कि वो पेड़ों को काट देगा और जो काटने के बाद जो पेड़ नीचे स्टंप बचेगा उससे ग्रो हो जाएगा, तो इस टाइप से कोपाइस भी हो सकता है और हाई फॉरेस्ट भी ग्रो कर सकता है। तीसरा वो क्या कर सकता है, सीड को डायरेक्ट फार्म में, डायरेक्ट खेत में ना लगा करके पहले उन्हें अपनी नर्सरी में ग्रो कराएगा और इसके बाद प्लांटेशन लगा देगा। तो इस टाइप से बोल सकते हो कि ये तो जो है ये नेचुरल वाले पार्ट हो गया और ये है आर्टिफिशियल प्लांटेशन का काम है। ये जो रीजनरेशन वाला है इसका डिस्कशन यहाँ पर ज्यादा कोई अपने लिए ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके लिए अपन नेचुरल और आर्टिफिशियल रीजनरेशन के नाम से 13 नंबर का चैप्टर आएगा, उसमें डिस्कस वेरी डिटेल में करेंगे। यहाँ पर मेन मुद्दा आपका था कि आपको ये समझ में आ जाए कि एक तो फॉरेस्ट वो है जो इंसान ने लगाया, दूसरा नेचर ने लगाया, दूसरा अपना इनका बेस हो सकता है कि जो सीड से लग गया है, कोपाई से लग गया, आर्टिफिशियल प्लांटेशन से लग गया, ठीक है। अब तीसरा मुद्दा अपना आ जाता है फॉरेस्ट के कंपोजिशन के बेस पे। तो देखो वही है, ये दुनिया में जितने भी फॉरेस्ट हैं उनके देखने के जो चश्मे के जो नंबर हैं वो अलग अलग हैं, बकाया की चीजें वही होंगी। अब जैसे ये है, या तो इसे आप बोल दो ये मैनमेड बोल दो या ये आर्टिफिशियल बोल दो, ठीक है। अब क्योंकि मैनमेड है तो इसने एक ही किसी एक ही स्पीसीज को लगाया होगा, इसलिए इसे हम बोल सकते हैं कि प्योर फॉरेस्ट है, और ये जो नेचुरल है इसमें तो बहुत सारी दर घनी स्पीसीज हो रखी हैं, तो इसे बोल सकते हैं हम मिक्स फॉरेस्ट।
तीसरा अपन अगर फॉरेस्ट को डिवाइड कर सकते हैं तो उनके ओनरशिप के बेस पे कर सकते हैं। जैसे एक अपना है गवर्नमेंट फॉरेस्ट जो अपने मोदी जी के पास है। अब मेरा कहने का मतलब है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडियन ओन है या स्टेट गवर्नमेंट के पास है या फिर आप कोई अदर कोऑपरेटिव मीन्स जो लोकल लेवल पे पंचायत के अंडर है या जो म्यूनिसपैलिटी के पास है वो वाली है, मीन्स गवर्नमेंट फॉरेस्ट है जिसे गवर्नमेंट की अथॉरिटी है। दूसरा हो सकती है जिसे बोलते हैं हम प्राइवेट फॉरेस्ट। अब मैं एक जस्ट एग्जांपल बताता हूँ। टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी क्या करती है अपनी इंडस्ट्री लगाती है, तो ये जो उसका इंडस्ट्रियल एरिया है ये क्या करता है पॉल्यूशन क्रिएट करता है, तो उस इंडस्ट्रियल एरिया के सराउंडिंग में ये फॉरेस्ट प्लांटेशन करता है। इसका पर्पज क्या है, इसका पर्पज होता है बफर बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ से जो पॉल्यूशन हो रहा है चाहे एयर हो या नॉइज हो वो बाहर के एरिया को डिफ्रेक्टेड ना करें। तो ये जो फॉरेस्ट है ये लगभग सपोज 1 किलोमीटर के डायमीटर का है, तो ये क्या हुआ ये प्राइवेट फॉरेस्ट है। तीसरा हो सकता है कोऑपरेटिव फॉरेस्ट, यानी कि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी इस टाइप से ग्रो कर रही है या कॉमर्शियल फॉरेस्ट ही स्टार्ट कर रही है, तो उसकी और जो अथॉरिटी है वो कोऑपरेटिव की है इसलिए उसे कोऑपरेटिव फॉरेस्ट बोल देते हैं। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो हम फॉरेस्ट के फंक्शन के हिसाब से देख सकते हैं कि आपने अगर जो फॉरेस्ट ग्रो किया है उसका पर्पज क्या है, आपका आपका पर्पज फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन पर्पज है या प्रोडक्शन ले रहे हो। और भी क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, क्लासिफिकेशन जो है वो डिपेंड करता है कि कौन कर रहा है और उसका करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, बट बेसिक जो अपने होते हैं वो यही है कि एक प्रोटेक्शन फंक्शन होता है दूसरा प्रोडक्शन फंक्शन है। नेक्स्ट मुद्दा आता है अपना लीगलिटी के बेस पे। फॉरेस्ट को लीगलिटी के बेस पे डिवाइड करना है, तो लीगलिटी के मुद्दे पे अपने पास दो एक्ट आते हैं। इसमें एक मुद्दा है अपना इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, दूसरा होता है अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कितना है 72। ठीक है, इसका अपना अलग मुद्दा चलेगा और इसका मुद्दा अलग चलेगा। ये 27 में आया था। इसके अब जब एक्ट है तो एक्ट में बहुत सारे सेक्शन होते हैं, मतलब यहाँ से शुरू हो जाएंगे और ये लगभग सपोज 72 सेक्शन है जस्ट एग्जांपल, या 100 सेक्शन है। सभी सेक्शन को तो एक साथ नहीं रख सकते तो उन्हें कुछ चैप्टर में डिवाइडेड कर देंगे, तो इस टाइप से चैप्टर रहते हैं इस एक्ट में। तो इसका जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, इसे वैसे याद नहीं रखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्या है कि अगर आपने इसे रख लिया और इसे कोट करोगे तो आपका जो वेटेज है वो जो दूसरा सामने वाला जो शार्प ब्लेडर है जो फेंकता दम फेंकने में लगा है उसके कंपेयर में आपको थोड़ा वेटेज ज्यादा रहेगा, तो पॉसिबिलिटी है आपको 0.5 मार्क्स भी अगर ज्यादा मिल जाता है या 0.25 भी ज्यादा मिल जाता है तो बहुत ज्यादा है वो। तो आपको याद ये रखना कि ये जो चैप्टर 2 है इसका उसमें तो डिवाइड है रिजर्व फॉरेस्ट, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है कि देखो एक तो फॉरेस्ट का एरिया वो है जिसे गवर्नमेंट ने अपने लिए रिजर्व कर दिया, उसे पूरी की पूरा प्रोटेक्शन दे दिया, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, वो है रिजर्व फॉरेस्ट। दूसरा दे दिया गांव वालों को, बोला ये एरिया वो है मीन्स जो विलेज है जैसे कि यहाँ पर नीचे आप देख रहे हो, ये विलेज के आसपास के जो बाउंड्री वाला एरिया है उसमें विलेज वालों से बोल दिया कि ये जो फॉरेस्ट है इसको तुम यूज करो। वो विलेज से जनरली आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के आसपास का डायमीटर का है, ज्यादा भी हो सकता है बट वो अपने लिए कोई रूल नहीं है उसका। तो ये जो एरिया है इसे बोल दिया कि ये विलेज फॉरेस्ट है, इसे विलेज वाले अपने पर्सनल यूज में यूज कर सकते हैं सस्टेनेबल वे में, अगर ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करने की परमिशन है बट सस्टेनेबल वो उसे यूज कर सकते हैं, ये है विलेज फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट वो है जो टोटल गवर्नमेंट अथॉरिटी, वहां तो कुछ एक्सप्लॉइट कर ही नहीं सकते गाँव वाले, और ये हो गया दूसरा विलेज फॉरेस्ट। तो चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, बीच में जो चैप्टर 4 है वो इन दोनों के बीच वाला है, यानी कि ये वो एरिया है जिसमें विलेज वालों को लिमिटेड राइट्स हैं, राइट्स हैं बट लिमिटेशन में, या ये बोल सकते हो कि ये वो फॉरेस्ट है जिसने प्रोटेक्शन कवर ले रखी है, गवर्नमेंट ने इसे प्रोटेक्शन की कवर दे दी है, ये आता है चैप्टर 4 में। तो ये जो चैप्टर है वो दूसरे छोड़ भी सकते हैं लेकिन एमसीक्यू वालों को तो रट्टा मारना ही मारना है। अब अपना मुद्दा ये तो हो गया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के बेस पे, दूसरा मुद्दा आता अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी ये फॉरेस्ट को दो टाइप से डिवाइड करता है, वो बोलता है एक तो बोलता है कंजर्वेशन रिजर्व
दूसरा बोलता है कम्युनिटी रिजर्व। अब ये टर्म समझते हैं ये है क्या। मान के चलो ये गवर्नमेंट का कोई एक एरिया था, सपोज कोई कान्हा कोई एक नेशनल पार्क था, ठीक है, दूसरा एक नेशनल पार्क ये था, ठीक है। अब ये जो वाइल्ड लाइफ है वो यहाँ पर क्या होता है, एलिफेंट जो है वो यहाँ से मूव करते हैं ऐसे ऐसे जा करके इस नेशनल पार्क में मूव करते हैं। अब इन दैट केस ये जो एरिया है बीच का, ये पूरा वो एरिया है जिसमें वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर इस एरिया में फार्मर को परमिट करता रहेगा तो ये वाइल्ड लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही ना, क्योंकि ये तो वाइल्ड लाइफ का कॉरिडोर है। तो ये जो कॉरिडोर वाला एरिया है, कौन सा कॉरिडोर का, तो वो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस कॉरिडोर एरिया को डिक्लेयर कर देगी कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। ये कंजर्वेशन रिजर्व तब है, यानी कि रिजर्व कर दिया, लेकिन इसे कंजर्व कर दिया मतलब यहाँ पर दूसरों के राइट्स रहेंगे, लेकिन जो फॉरेस्ट राइट है वो रहेंगे, बट वो बहुत लिमिटेशन में रहेंगे। इसे कंजर्वेशन रिजर्व तब बोलते हैं जब ये पूरा का पूरा एरिया अगर गवर्नमेंट ओन है, पूरी राइट गवर्नमेंट के पास है। अगर इसमें रामलाल या श्याम मोहन जैसे कोई भी ले लो, अगर उसकी भी यहाँ पर कोई खेत पड़ गया इसके अंदर, मतलब प्राइवेट भी इसमें स्टेक होल्डर है, तो क्योंकि उसमें प्राइवेट भी के भी खेत है, प्राइवेट सेक्टर के भी इन्वॉल्वमेंट है, तो हम उसे फिर कम्युनिटी रिजर्व बोलते हैं। अगर टोटल गवर्नमेंट ओन है तो कंजर्वेशन रिजर्व, अगर कम्युनिटी का भी इन्वॉल्वमेंट है तो हम उसे बोलते हैं कम्युनिटी रिजर्व। ओके, नेक्स्ट अगले दो आते हैं, एक आता है ग्रोविंग स्टॉक के बेस पे और दूसरा होता है इकोसिस्टम बेस्ड। पहले समझते हैं ग्रोविंग स्टॉक, इसे यहाँ ज्यादा डिटेल नहीं देखना, बस एक कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि रिमेनिंग के लिए अपन फॉरेस्ट मैनेजमेंट में से ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। सपोज ये आपका एक हेक्टर का एरिया है, इसमें आपके 10 प्लांटेशन ऐसे आए, 100 पेड़ ऐसे लगा दिए और 100 पेड़ आपने ऐसे लगा दिए, टोटल कितने पेड़ लगे आपके, 1000, 10000, ठीक। अब अगर इस एरिया में मतलब आज अगर लगाया था, वन ईयर फर्स्ट ईयर में अगर लगाया और 10 ईयर का रोटेशन था, तो 10 ईयर बाद अगर आपने यहाँ पर 100 के 100 पेड़ मिल गए, एक्चुअली स्टार्टिंग में आपने 100 पेड़ लगाए थे, इसमें 10 ईयर बाद सपोज वो पेड़ रहते हैं आपके 100। अब अगर 10 ईयर बाद यहाँ 100 के 100 प्लांट्स हैं, तो इसे आप क्या बोलोगे, फुली स्टॉक फॉरेस्ट, ठीक है। अब अगर ये 100 ना होगा कि ये 120 है, तो क्या बोलोगे, 100 होना चाहिए, 120 है, तो ये क्या हो गया, ओवर स्टॉक्ड। और अगर 90 है तो क्या बोलोगे इसे, ये हो गया अंडर, ये है अंडर स्टॉक। तो पहला तो मुद्दा ये होता है कि कोई फॉरेस्ट में कितना नॉर्मल कितना होना चाहिए, अगर जितनी हमें स्टॉक है, जितने पेड़ चाहिए उस एज ग्रुप में, क्या उतने पेड़ है, अगर उतने मिल गए तो हम इसे बोल सकते हैं नॉर्मल। उससे अगर ओपन ऊपर और नीचे हो जाएंगे तो हम जनरली उसे बोल देते हैं एबनॉर्मल। ये नॉर्मल और एबनॉर्मल के लिए केवल ये ओवर स्टॉक या अंडर स्टॉक ही कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके तीन बेसिक पिलर हैं जिसे ट्रिनिटी ऑफ नॉर्म्स बोलते हैं, लेकिन उसका यहाँ अपने लिए समझने में थोड़ा डिफिकल्टी जाएगी, एज क्लास ग्रुप है, ठीक है। तो उसे जहाँ मुद्दा है वहाँ डिस्कस करेंगे, यहाँ अपना बेसिक पार्ट है कि ये है क्या, वो समझ लो, काम हो जाता है अपना। नेक्स्ट मुद्दा आता है इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल बेस्ड, ये कम से कम 10 to 15 टाइम पूछा गया, लगभग कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसका ये पूछे बिना काम खत्म हो गया हो, MCQ वालों के लिए तो मस्ट है। दिया क्या, इससे पहले क्या था, 68 से पहले बहुत सारे बागड़ बिल्ले थे, जिसका मुंह हुआ उसने बता दिया, कोई बोला फॉरेस्ट कितने टाइप है इंडिया में, 10 टाइप के, कोई बोला 25 टाइप के, कोई बोला 12 टाइप के, तो ये सब चलते रहे। बाद में चैंपियन और सेठ, एक्चुअली दो अलग बंदे थे, दोनों ने अपने रिसर्च पेपर पब्लिश किए, फिर मतलब दोनों के अलग अलग वर्क था, फिर बाद में दोनों ने कम्बाइंडली मिलकर के एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट को 5 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया, मतलब 5 फैमिली में टोटल इन्होंने 16 टाइप में डिवाइडेड किया, तो 16 टाइप के फॉरेस्ट बताए, और फिर बोल दिया कि ये 16 टाइप के जो है इन्हें हम 5 पार्ट में डिवाइडेड करेंगे, 5 मेजर फैमिली और उसके 16 ग्रुप, तो इस टाइप से इन्होंने डिवाइड किया, ये अपने काम की चीज है। अब मुद्दा ये आता है कि क्या ये 16 को याद रखना पड़ेगा, तो हाँ भाई ये तो करना पड़ेगा। दूसरा एक और इशू आते हैं कई बार, जो मेंस में क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, 3C2 8
D3 इस टाइप का, आप इसके फॉरेस्ट लिख दो, तो ये इतना है जो है ना, इसका कॉस्ट बेनिफिट नहीं जाता है, दिमाग का दही हो जाता है वो अलग से, और लास्ट तक याद तो कुछ रहता नहीं है, तो इसलिए बेहतर है कि इन चीज़ों को छोड़ दिया जाए। ठीक, हाँ, कर क्या सकते हैं कि जैसे यहाँ पर है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो अपना मैन है ये ट्रॉपिकल क्या है, कैसे याद रखा जाएगा उसे देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा है सब ट्रॉपिकल, ठीक है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल टेम्परेट, ठीक है, और ये है सब एल्पाइन और एल्पाइन। अब इसमें देखो, इसमें यहाँ पर माउंटेन टर्म जुड़ रखा है और इसमें भी माउंटेन जुड़ रखा है, तो जो याद रखने के लिए आसान है उसमें यही कर सकते हो कि पहला ट्रॉपिकल है, फिर सब ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट, फिर एल्पाइन और सब एल्पाइन, तो पांच तो मेजर ग्रुप सीधे सीधे याद हो जाते हैं। दूसरा जिन जो देखोगे वो एक अलग पैटर्न होता है, वो होता है वेट, जैसे यहाँ पर है वेट, मॉइस्ट और ड्राई, वैसे यहाँ पर मिल जाएगा। लास्ट वाला लगभग ड्राई होगा हर एक किसी में, इसमें भी ड्राई है, मॉइस्ट है और वेट है, वही इसमें मिल जाएगा, मॉइस्ट और ड्राई, तो कुछ गुंताड़ा जो है वो रटने का इस टाइप से मान लो। हाँ, लेकिन तीन चार हैं जिनको हमें थोड़ा अच्छी तरह से याद रखना पड़ता है। उनमें पहला तो आता है अपना लिटोरल एंड स्वैम्प, ग्रुप नंबर 4। ये क्यों इम्पोर्टेंस है? क्योंकि इसमें आते हैं मैंग्रोव्स, और मैंग्रोव्स आपका पूरा पूरा एक सब्जेक्ट है, मैंग्रोव्स एंड कोल डेजर्ट। दूसरा है ग्रुप नंबर 6, ये है थॉर्न, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि पूरा का पूरा राजस्थान इसी में पड़ा रखा है, तो ये एक्चुअली आसानी से पकड़ जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर पाइन फॉरेस्ट, क्योंकि जब भी आता है चीड़ पाइन की, या कभी भी उत्तराखंड में जब भी आग लगती है, फायर लगती है, क्राउन फायर लगती है, तो उस केस में चीड़ पाइन हमेशा न्यूज में आ जाता है, तो ये ग्रुप 9 में आ जाता है। ठीक है, ये लिटोरल एंड स्वैम्प मतलब मैंग्रोव आ जाते हैं इसमें, थॉर्न फॉरेस्ट राजस्थान का इशू है, और यहाँ पर ग्रुप 9 पाइन फॉरेस्ट का इशू है। कम से कम इन्हें तो 4, 6 और 9, इनको थोड़ा ध्यान से रखें, बका इनको तो रट्टा मार नहीं मारना है। अब मुद्दा आ जाता है अपना एक्सरसाइज का, इसके बाद फिर अपन फॉरेस्ट्री पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, 2011 का क्वेश्चन है कि उसने पूछा था सिंपल सा कि लीगल डेफिनेशन क्या है फॉरेस्ट की, एंड उसने पूछा था कि इसके जो मेजर टाइप्स हैं ग्रुप फॉरेस्ट टाइप की जो है मेजर, उनको आपको लिस्ट कर देना है। तो आपका सिंपल सा है लीगल डेफिनेशन अपना, यहाँ पर लीगल लिख देने का। दूसरा आपने क्या है, 5 मेजर और 6 16 ग्रुप में, तो बकाया का इसका काम हो गया। अब मुद्दा है कि क्या कंक्लूजन लिखना है। देखो, ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, ये अपने सिविल के जो जनरल स्टडी के हैं, वैसा तो पेपर है नहीं जो आपको कंक्लूजन लिखना पड़े, क्योंकि यहाँ पर आपका जो जो उसने पूछा था उतना लिख दिया आपने, इंट्रो में ये पार्ट लिख दिया, बॉडी में मेनली जो उसने पूछा वो पार्ट लिख दिया, इसके बाद कंक्लूजन के लिए कोई जगह नहीं बचती है कि आप ये लिखते रहो कि हाँ इन्हें बचाने की ज़रूरत है, फलाना ढिमका इधर उधर की बात है, उसका कोई पर्पज़ नहीं होता है, आपका काम हो गया आगे बढ़ो, अदरवाइज क्योंकि फिर क्वेश्चन छूटेंगे लास्ट में। तो यहाँ पर अपना जो फर्स्ट पार्ट है वो कवर हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, अपना आएगा फॉरेस्ट्री। देखो, जैसे अपना एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर में क्या है, आपके पास खाली ज़मीन पड़ी थी जिस पे फार्मर मेहनत करेगा, वो अपनी कोई भी क्रॉप है उसे सोविंग करेगा और लास्ट में क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेगा, मतलब एक एक पैटर्न है इसमें। तो आपने जो फॉरेस्ट है मीन्स पेड़ है, जंगल है, उसे तो पढ़ लिया, लेकिन प्रोसेस यानी कि वो टैक्टिक टूल जिसके थ्रू ये आप फॉरेस्ट को ग्रो कर रहे हो कहीं और बाद में हार्वेस्ट करोगे, इस टूल को बोलेंगे हम फॉरेस्ट्री। मतलब बिल्कुल सेम फॉरेस्ट, सेम एग्रीकल्चर की तरह है, पहले आपके पास खाली एरिया होगा जिसमें आप कोई प्लांटेशन को राइज करोगे, बाद में इन पेड़ों को प्रोटेक्ट करोगे कि वो सही तरीके से ग्रो करते रहे। तो इसमें बहुत सारी ब्रांचेस होंगी, जैसे फॉरेस्ट पैथोलॉजी है, एंटेमोलॉजी है, अदर चीज़ों को यूज करोगे, पर्पज एक ही होगा कि ये प्रॉपरली ग्रो कर पाए, और बाद में जब ये ग्रो कर जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, तो बाद में इनको क्या कर लोगे, हार्वेस्ट कर लोगे। ठीक है, हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो है, और फिर बाद में फाइनली यूज कर लेना। तो ये यूटिलाइजेशन या हार्वेस्टिंग पार्ट है, ये तो जनरली हम पढ़ते हैं फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन में। बट यहाँ पर जो अपना बेसिक अगर देख लिया जाए, तो ये पूरा पूरा जो साइकिल है इसको हम बोल देते हैं फॉरेस्ट्री।
अब एक रिमेम्बर पार्ट को याद रखना है कि यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है वो है अपना क्या, वाइल्ड लाइफ वाला पार्ट। जनरली होता क्या है कि जब भी हम फॉरेस्ट के बारे में लिख रहे होते हैं तो हम पेड़ों को तो ध्यान देते हैं, लेकिन जो जो वाइल्ड लाइफ वाला कंटेंट है उसको हम जनरली छूट जाता है। तो फॉरेस्ट में ये वाइल्ड लाइफ का भी पार्ट है, इसे थोड़ा याद रखें। अब मुद्दा आता है कि हम फॉरेस्ट्री को डिफाइन कैसे करें। तो कुछ नहीं है, जो आप कर रहे हो मतलब है क्या, आपके पास कुछ थ्योरी होगी और कुछ प्रैक्टिकल पार्ट होगा। और इसका पर्पज क्या होगा, आप फॉरेस्ट को क्रिएट कर रहे हो यानी कि कहीं बना रहे हो, उसको प्रोटेक्ट या कंजर्व कर रहे हो, उसको मैनेज कर रहे हो और फाइनली आप उसको यूटिलाइज करोगे। तो ये हो गया आपका फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो आपको फॉरेस्ट्री समझ में आ गई कि यूजुअली फॉरेस्ट्री होती क्या है। अब जैसे कि आपने पिछली बार पढ़ा था, यहाँ पर भी फॉरेस्ट्री को हम क्लासिफाई कर लेंगे। इसका क्लासिफिकेशन के जनरली दो बेस है। पहला तो बेस होता है वो हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैनेजमेंट है, मतलब हम फॉरेस्ट को कितनी इंटेंसिवली मैनेज कर रहे हैं। जैसे कि एक फार्म है, एक है एमपी या छत्तीसगढ़ का फार्मर जो क्या कर रहा है, अपना जो फार्म है मतलब थोड़ा बैरन लैंड टाइप का है, वो यूजुअली वन क्रॉप ले रहा है, वन पर ईयर, एक ईयर में वन क्रॉप ले रहा है। दूसरा है पंजाब का फार्मर जो यहाँ पर तीन क्रॉप ले रहा है, ठीक है, कौन सी, खरीफ, रबी और जायद, तीनों ही क्रॉप ले रहा है। तो इंटेंसिटी कहाँ पर ज्यादा है, तो ये थोड़ा ज्यादा इंटेंसिव है। अब आप ये भी देख सकते हो कि जो बड़ा एरिया है, मतलब एक तो इंटेंसिटी आपको ये समझ में आ गई, एक बहुत ज्यादा इंटेंसिव और दूसरा एक्सटेंसिव है। मतलब इंटेंसिव वो है जहाँ बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी से क्रॉप कर रहा है, कौन सा, ये वाला, एक ही स्मॉल एरिया पे तीन तीन क्रॉप ले रहा है, मतलब इंटेंसिव फार्मिंग कर रहा है यानी कि इंटेंसिव फॉरेस्ट्री कर रहा है। लेकिन इंटेंसिव फॉरेस्ट्री आदमी कब कर सकता है, जब उसके पास एरिया छोटा हो, क्योंकि बड़े एरिया को मैनेज करना, अगर वो 1 हेक्टर में 2 मंथ लगा देगा तो बकाया के हेक्टर में क्या करेगा। तो जो छोटे एरिया होते हैं उसमें हम जनरली इंटेंसिव फॉरेस्ट्री कर पाते हैं, लेकिन जो बड़े एरिया है, मीन सपोज एक फार्मर है, सिंपल एक सिंगल आदमी है और उसके पास है 500 हेक्टर, तो 500 में तो वो ना कर पाए। इन दैट केस वो उसे जो यूज करते हैं उसे बोलते हैं एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्री। मतलब यहाँ जो फॉरेस्ट प्रैक्टिस है वो थोड़ा हल्की होगी, लाइट होगी, एक आध दो क्रॉप ही ले रहा होगा लेकिन एरिया बड़ा होगा। ओके, तो यहाँ पर आपका इंटेंसिटी के बेस पे हो जाता है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। दूसरा और है कि आप फॉरेस्ट जो लगा रहे हो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कि मैनेजमेंट आपका क्या ऑब्जेक्ट है, क्या चाहते हो आप उससे। एक सिंपल सा पर्पज होता है कि हम जो फॉरेस्ट लगा रहे हैं उसका पर्पज हमारा प्रोटेक्शन है, मतलब हमारा क्या है, जैसे कि चंबल वाले हैं, ये इनका पर्पज है कि जो सॉइल इरोजन हो रहा है उसको रोकने के लिए, इसका सॉइल का। या जैसे अपना दिल्ली वाले हैं, दिल्ली गवर्नमेंट है जो यहाँ की जो अपने पार्क्स होते हैं कॉलोनीज के, उसमें जो लगा रहे हैं उनका पर्पज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन उसे होता है। तो यहाँ पर्पज अलग अलग होगा, बट बेसिक पर्पज क्या हुआ, प्रोटेक्शन पर्पज है। दूसरा फॉरेस्ट्री क्या क्या हो सकता है, प्रोडक्शन। इनका काम है कि देखो फॉरेस्ट है या जो प्लांट्स है वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं, तो वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारा पर्पज उस प्रोडक्शन को गेन करना है जो प्रोड्यूस किया। तो अब प्रोडक्शन है वो, वही जो मैंने बोला प्रोडक्शन क्या होगा, टेंजिबल इनटेंजिबल में अगेन देखेंगे। यहाँ पर प्रोडक्शन जो पर्पज होता है उसके दो बेसिक टाइप है, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल। और थर्ड टाइप होता है फॉरेस्ट्री का, वो है सोशल फॉरेस्ट्री, प्रोटेक्शन, प्रोडक्शन और सोशल। सोशल का मतलब होता है कि फॉरेस्ट जो है वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, ठीक है, जिसमें फार्म फॉरेस्ट्री वगैरह हम देखेंगे। पहले हम यहाँ पर जो दो मुद्दे हैं, दो टर्म है अपने, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री, इन्हें समझ लेते हैं। देखो कोई भी हो, इकोनॉमी के जनरली तीन मोड होते हैं। एक होता है सब्सिस्टेंस, जिसका पर्पज होता है कि आदमी काम केवल इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जिंदा बना रहा है, उसका बहुत कोई कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल करने का पर्पज नहीं है। दूसरा वहाँ है जहाँ वो अपने खर्चे, मतलब सब्सिस्टेंस मतलब वहाँ पर वो केवल अपने खर्चे चला रहा है और उसे ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है। दूसरा है कॉमर्शियल, जहाँ वो चाहता है कि उसकी जो फैमिली लाइफ या फैमिली जो इनकम है वो तो चलती रहे, इसके साथ साथ अगर उसे कुछ थोड़ा बहुत गेन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे उसकी अदर ज़रूरतें भी कंप्लीट हो जाए। थर्ड जो है वो है इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल पर्पज बिल्कुल टोटल इंडस्ट्री के डिमांड के अकॉर्डिंग है।
इसे जैसे हम एग्रीकल्चर में कैसे समझ सकते हैं कि जैसे एक फार्मर है, ये जैसे अपना उत्तराखंड है, उत्तराखंड के जो टेरेस फार्मिंग है, नॉर्थ ईस्ट में टेरेस फार्मिंग है, तो ये कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं, ये केवल उतना उगा पाते हैं जिससे इनका जो बेसिक जो डिमांड है फूड की वो कंप्लीट हो पाती है। आप ये बोलो यहाँ पर लेज के लिए आलू उगाएंगे, हाँ ये हो ना सके। तो यहाँ जो पर्पज है वो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, केवल जिंदा रहने के लिए है। दूसरा है कॉमर्शियल। कॉमर्शियल मतलब क्या है? शुगर कैन। लोग ये चाहते हैं कि इससे जो मनी मिलेगी इन्हें, वो मनी इनके घर को भी कंप्लीट कर सकती है, मतलब जो इनकी बेसिक डिमांड है वो तो कंप्लीट कर सकती है। यहाँ पर केवल बेसिक डिमांड ही कंप्लीट हो पा रहे हैं, ये यहाँ पर चाहते हैं कि इनकी बेसिक डिमांड तो कंप्लीट हो जाए और थोड़ा थोड़ा मॉनेटरी भी मिल जाए। तो जो शुगर कैन है वो ऐसा नहीं कि शुगर कैन केवल इंडस्ट्री के लिए, यानी कि जो मिल है, शुगर मिल है, उसी को जाता है। लोग चाहे ये जो अपने गन्ना जो रस बनाते हैं उसमें हो जाए, जूस बनाने के लिए, या फिर कोई फेस्टिवल टाइप का कुछ भी हो, मेन पर्पज ये है कि आप गुड़ बनाए या शक्कर बनाए या अदर दुनिया भर के जो कॉमर्शियल यूज है उनमें आ जाए। मेन मेन पर्पज ये होता है कि कॉमर्शियल जो चीजें होती है वहाँ वो मॉनेटरी तो लिंक होता है, लेकिन वो किसी इंडस्ट्री स्पेसिफिक लिंक नहीं होता है। थर्ड अपना आता है प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल का, जैसे कि लेज है, ये कहाँ? पंजाब में करा रहे हैं। अब पंजाब का फार्मर जो पोटैटो उगाता है वो सीधे के सीधे लेज इंडस्ट्री को ही जा रहा है। वहां जो फार्मर ग्रो कर रहा है उसका सीधा सा पर्पज है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को सपोर्ट करना, ये हो गई इंडस्ट्रियल। तो इस टाइप की जो तीन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो हम जनरल एग्रीकल्चर में देखते हैं, सेम थिंग होती है फॉरेस्ट्री में। अब आपने यहाँ पर देखा होगा जनरली जब भी आप रूरल एरिया में जाओ तो उनके जो फार्म है स्कैटर्ड बहुत सारे दो चार पेड़ मिल जाते हैं। तो ये दो चार पेड़ उन्हें क्यों छोड़ रखे हैं? कि भाई उनकी जो वुड की डिमांड होती है, कभी कोई शादी आ गई तो पेड़ काट के जलाएंगे, क्योंकि जो फूड बनता है वो तो इसी से बनाएंगे, गैस सिलेंडर तो यूज नहीं करेंगे। या फिर कहीं अपने जो सेक्रेट ग्रुप्स उगाते हैं इस टाइप के हैं, तो ये जो है ये सब्सिस्टेंस है, इनने यहाँ कोई कॉमर्शियल करने के लिए पेड़ नहीं लगा रखे हैं, बस ये है उनकी जो बेसिक डिमांड है वो कम्प्लीट हो जाती है। तो ये है सब्सिस्टेंस फॉरेस्ट्री। दूसरा फॉरेस्ट्री है फार्म फॉरेस्ट्री। मैं जस्ट की ऐसे एग्जांपल यूज कर रहा हूँ। यहाँ फार्मर जो अपने खेतों पर पे पेड़ लगा रहा है, इसका पर्पज क्या है? कि ये इससे जो टिम्बर मिलेगा वो एक तो उसकी डेली जो बेसिक नीड्स हैं उसमें काम होगा, मतलब घर की जरूरत है। दूसरा क्या है, ये मार्केट में बेच सकता है, ठीक है? मार्केट में बेचने से जो मॉनेटरी गेन होगा उसका पर्पज है वो अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जो फैमिली चलाने के अलावा उनको कंप्लीट कर सकता है। बट यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल इंडस्ट्री लिंक नहीं होगा, ठीक है? किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ही सपोर्ट करना है। उसका जो प्रोडक्ट है वो किसी भी इंडस्ट्री में जा सकता है, 10-15, चाहे वो मींस जो कारपेट इंडस्ट्री है, या जो अपने कारपेंटर वाले हैं ये यूज कर रहे हैं, सीढ़ी बनाने में यूज कर रहे हैं, या कोई पेपर पल्प इंडस्ट्री यूज कर रही हो, कोई भी करे, वो किसी पर्टिकुलर को सपोर्ट ना करके सबको करता है, बस उसका मेन एम है मनी गेन करना। तीसरा जो इंडस्ट्रियल है, इनका तो सीधा एक ही पर्पज है, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से लिंक होना। जैसे कि सेलेक्स प्लांटेशन है जम्मू कश्मीर में, वो उगाए इसीलिए रहा है क्योंकि उससे क्रिकेट बैट बनाना है, तो जो पूरा क्रिकेट बैट इंडस्ट्री है वो तो सेलेक्स पे डिपेंड है। तो ये हो गई अपना इंडस्ट्रियल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो अपना प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री है वो दो टाइप की है, या तो कॉमर्शियल है या इंडस्ट्रियल है। सब्सिस्टेंस को प्रोडक्शन उसका पर्पज ही नहीं है, वो फॉरेस्ट तो उगा ही नहीं रहा, वो तो एक्चुअली कुछ दो चार बीच में लग गए वो लग गए। थर्ड अपना मुद्दा आ जाता है यहाँ सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री मतलब फॉरेस्ट्री को सोसाइटी के बीच में करना है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी की डिमांड है, अगर ये डिमांड कंप्लीट नहीं होंगी तो वो जंगल में इलीगली पेड़ काट के ले जाएंगे। तो इसलिए बेटर है फॉरेस्ट को उनके पास पहुंचा दो जिससे वो अपनी डिमांड वहीं कंप्लीट कर लें, तो ये फॉरेस्ट में जो इनक्रोचमेंट इलीगल कटिंग हो रही है ना ये बच जाए, रुक जाए। तो अब ये कैसे कर सकते हो? फॉरेस्ट को उन्हीं के खेतों पर उगा दो, अगर फार्मर है उसी के खेत पर लगा देना विंड ब्रेक और सेल्टर बेल्ट के रूप में। जैसे ये है, ये एले क्रॉपिंग है, ठीक है? क्या है? एले। तो एले क्रॉपिंग में लगा करके यहाँ पर फार्म पे लगा देना, तो ये क्या हो गई? फार्म फॉरेस्ट, ठीक है? दूसरा एक अर्बन फॉरेस्ट्री भी आपके में है, ये एक्चुअल पर्पज जो अपना अर्बन फॉरेस्ट्री का ये रिक्रिएशनल है, ठीक है? ये कहाँ? जैसे ये न्यूयॉर्क का है, दिल्ली में भी बड़े बड़े पार्क हैं। पर्पज क्या है?
कि यहाँ पर अपना पर्पज क्या है, प्रोटेक्शन, मतलब ये एक तो लोगों को रिक्रिएशनल के लिए मिल जाता है, दूसरा ये है एक टाइप से CO2 O2 ऑक्सीजन के लिए एक बफर का काम करते हैं, यानी कि जो यहाँ पर जो एटमोसफेयर की ये जो लोगों ने पॉल्यूशन फैला रखा है उसे कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का थोड़ा काम करते हैं। तो ये एक अर्बन फॉरेस्ट्री हो गई, ये भी सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब आप फॉरेस्ट्री मीन्स फॉरेस्ट जो है उसे फॉरेस्ट वाले एरिया से निकाल के सोसाइटी के पास लेके गए, सिंपल वे में वो है सोशल फॉरेस्ट्री। एक मुद्दा आता है अपना एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, एक्सटेंशन मतलब आप फॉरेस्ट एरिया से एक्सटेंड करके बाहर लेके गए फॉरेस्ट को। तो अब सोशल फॉरेस्ट्री और एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री में क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री बहुत पहले डेवलप हुआ था, बाद में एक बड़ा अम्ब्रेला लेके आ गया जिसका नाम दे दिया सोशल फॉरेस्ट्री और एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री को उसके अंदर रख दिया। इसमें क्या कर रहे हैं, जैसे अपना ग्रीन हाईवे कॉरिडोर चल रहा है, इसमें क्या है कि अपने जो हाईवे हैं उनके सराउंडिंग में पेड़ों की एक लाइन कर देंगे। पर्पज जो वहां पर पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है नॉइज वाला और CO2 वाला, वो वहीं कंट्रोल किया जाए। एक एग्जांपल लिख सकते हो ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर ये यूपी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था पुराने टाइम पे, 4-5 साल हो गए। उनका भी पर्पज यही था कि इस टाइप से 4-5 रो में पेड़ लगा दो तो जो नॉइज पॉल्यूशन है वो वहीं पे रोक दिया जाए। दूसरा आपको एग्जाम्पल ग्रीन ये नेशनल हाईवे कॉरिडोर वाला जो चल रहा है ग्रीन इंडिया मिशन के अंडर, उसे आपको पता ही है कि 2% या 2% समथिंग है जो उसका मनी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसे अलग रिजर्व कर दिया जाता है इसी के लिए। इससे अगर आपको कुछ और लिखना है तो यहाँ पर आप 2015 की पॉलिसी को कोट कर सकते हैं, नेशनल हाईवे प्लांटेशन ट्रांसप्लांटेशन एंड ब्यूटिफिकेशन मेंटेनेंस, ये पॉलिसी आई थी 2015 में, जिसे ये जो प्रोजेक्ट बोला जो ग्रीन हाईवे कॉरिडोर ग्रीन हाईवे जो प्रोजेक्ट है उसी की ये पॉलिसी बेस्ड है उसके लिए। तो इसे कोट कर लेना, ये नोट्स में नहीं है। इस टाइप से आपका जो है एक्सटेंशन फॉरेस्ट ही है, मतलब एक्सटेंशन कहाँ है, रोड के साइड में कर रहे हो, कैनाल के साइड में प्लांटेशन कर रहे हो, तो वो इसमें आ जाता है। ठीक है, अब मुद्दा आता है अपना एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो ये अपना फॉरेस्ट वाला पार्ट खत्म हो गया था, ये फॉरेस्टी वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था कि आपको बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, इसने सीधा सीधा बोल दिया कि आपकी जो फॉरेस्टी जो करने के ऑब्जेक्टिव है उनके बेस्ड पे आप फॉरेस्टी का क्लासीफाई कर दो। तो अब आप डायरेक्ट तो सीधा लिखो कि नहीं, तो सीधा चाहे फॉरेस्ट्री की डेफिनेशन लिख दो इंट्रोडक्टरी पार्ट में, और फिर उसका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन दो बेस पे था, इंटेंसिटी के बेस पे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, और ऑब्जेक्टिव के बेस पे, ऑब्जेक्टिव पे क्या आ जाएंगे अपने प्रोटेक्शन प्रोडक्शन और सोशल, और सोशल के वो 3-4। अब अपना थर्ड पार्ट आ जाता है यहाँ सिल्वीकल्चर, फॉरेस्ट हो गया फॉरेस्ट्री हो गया, अब थर्ड पार्ट में सिल्वीकल्चर देख लेते हैं। आपने ये फॉरेस्ट को देखा, सॉरी फॉरेस्ट्री को देखा, अब एक बात बताओ, आपने यहाँ पर पेड़ तो लगा दिए, नर्सरी लगा दी, पेड़ ग्रो करेंगे, अब जब ये पेड़ ग्रो कर रहे होंगे तो क्या इस पे कुछ बाहर के फैक्टर काम नहीं करेंगे? यानी अपन सिंपल वे में बोलते हैं 4F, 4F मतलब 4 फैक्टर होते हैं एक्चुअली, एक होता है क्लाइमेटिक, दूसरा है एडैफिक, टोपोग्राफिक और बायोटिक। ये 4 फैक्टर को जनरली मैं कहीं भी नोट्स में मिलेगा तो ये 4F करके चलूंगा। ऐसा 4F क्यों? क्योंकि कहां बार बार ये 4 चीजें लिखने से अच्छा है एक बार 4F लिख दो, आपको समझ में आ जाएगा कि 4F बोल रहा हूँ मतलब ये 4 फैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली ये फॉरेस्ट पे जब ये ग्रो कर रहे थे तो ये 4 फैक्टर जो थे वो उस पर इन्वॉल्व थे, वो उसे फोर्स कर रहे थे जिससे वो प्रॉपरली स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही ग्रोथ हो रही थी। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने ऐसे लगा करके प्लांटेशन छोड़ दी और क्लाइमेटिक कोई इंसेक्ट अटैक कर दिया और पूरी पूरी वेजिटेशन साफ कर दी उसने, तो ये कहीं ना कहीं 4F ने उसे मैनेज किया, मतलब आपने जो फॉरेस्ट लगाया उस पर ये 4F इन्वॉल्व हो रहे थे। तो आपकी प्रोसेस क्या हुई, पहले आपने सीड लगाया, फिर आप सीड जर्मिनेट हुआ मतलब वहाँ पर प्लांट लगाया या फिर डायरेक्ट प्लांटेशन कर दिया, और वहाँ से लेकर के ये मैन आपका फॉरेस्ट बनने तक यहाँ पर जो फैक्टर काम कर रहा है ये फैक्टर की स्टडी। तो ये सिल्वी कल्चर है, देखो आपका ये सब्जेक्ट का नाम क्या है, सब्जेक्ट का नाम भी सिल्वी कल्चर है। इसमें क्या करोगे आप पढ़ोगे ये 4 फैक्टर कौन कौन से हैं, मतलब कोई भी लोकेशन जहाँ पर आप प्लांटेशन वर्क कर रहे हो, लोकेशन जहाँ पर आप ये प्लांटेशन वर्क कर रहे हो वहाँ पर ये कौन कौन से फैक्टर, यानी कि ये जो 4F है ये फैक्टर कैसे लग रहे हैं उसके ऊपर कैसे अप्लाई हो रहा है। सेकंड थिंग,
जब आप यहाँ पर ये फॉरेस्ट ग्रो कर रहे हैं, तो ये फॉरेस्ट वो चार जो फैक्टर थे उनको कैसे इफेक्ट कर रहा है। एक तो पार्ट ये कर लिया जैसे अपन इसके सिल्वीकल्चर के वॉल्यूम वन में पढ़ेंगे। दूसरा वाला जो पार्ट है सिल्वीकल्चर में वो क्या होगा, नर्सरी। सीड कलेक्ट करोगे, सीड को सोविंग करोगे, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल रीजनरेशन, जैसे ये हो गया नेचुरल सीड से हो रहा है, ये आर्टिफिशियल मतलब जबरदस्ती इंसान ने लगाया। तो कैसे सीड कलेक्ट करोगे, फिर उसको नर्सरी में रीजनरेट करोगे, फिर प्लांटेशन करोगे, ये जो वॉल्यूम वन में जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो है। तो सिल्वीकल्चर में तो आप दोनों ही पढ़ोगे ना, तो जो पढ़ रहा है वही तो ये है। तो सिल्वीकल्चर को डिफाइन कर सकते हो, मतलब क्या है सिंपल वे में, ये एक आर्ट और साइंस दोनों है जिसमें आप फॉरेस्ट ट्री को कल्टीवेट कर रहे हो। कब तक, जब तक वो हार्वेस्ट ना हो जाए, हार्वेस्टिंग से जस्ट पहले। हार्वेस्ट काटने का काम नहीं है सिल्वीकल्चर में, काटना है फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन में। तो यहाँ सिल्वी, अब ये तो एक प्रॉपर डेफिनेशन है, इसका पर्पज ये है कि ये जो अपने लिखा जाता है इंट्रो वाले पार्ट में, तो ये अपन को प्रॉपर डेफिनेशन से लिखना पड़ेगा। मतलब स्टेबलाइजमेंट लगाना उसे, डेवलपमेंट केयर एंड कल्टीवेशन ऑफ स्टैंडर्ड टिम्बर, कोई स्टैंडर्ड में फॉरेस्ट का छोटा पैच। यहाँ पर जो चार डेफिनेशन, तीन डेफिनेशन अदर है, इनका पर्पज है एमसीक्यू वालों के लिए, क्योंकि वो सिंपल वे में आपको लिखा रहा था आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टीवेटिंग फॉरेस्ट क्रॉप। एक्चुअल में अगर आपको नहीं याद रह रही ये डेफिनेशन, अगर याद नहीं हो पा रही है, तो इसे भी कोट कर सकते हो, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो या तो आर्ट एंड साइंस बोल देते हैं, कोई केयर एंड कल्टीवेशन बोल देता है, और कोई थ्योरी एंड प्रैक्टिस बोलता है। वो है समस्या एक है, उसके रूप अनेक है, एक ही चीज है, कोई भी जो सिंपल सा लगे उसे लेकर के चिपका देने का। ये तो हो गया अपना सिल्वीकल्चर, ठीक है। अब यहाँ पर नोट्स में एक एक कई बार बीच बीच में बवाल आ जाता है, ये सिल्विक्स क्या है, क्योंकि सिल्वीकल्चर तो जानते हो, सिल्विक्स क्या है। तो देखो पहले अपन ऐसे समझते हैं कि एक पेड़ है, यानी कि एक सीड था, जैसे आपने यहाँ सीड की सोविंग की, सीड जर्मिनेट होगा, बड़ा प्लांट बनेगा, पेड़ बनेगा, पेड़ से फिर सीड प्रोड्यूस होंगे, फिर साइकिल चलेगी। तो एक तो ये इसकी एक लाइफ हिस्ट्री होती है, किसी भी पेड़ की लाइफ हिस्ट्री में वो एक अपना कैरेक्टर शो करता है, पेड़ की एक जो क्राउन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉनिफर्स जो होते हैं वो जनरली कॉनिफर्स कॉन्सेप्ट के क्राउन बनाएंगे, जबकि अगर अपना बबूल का पेड़ है, अकेसिया निलोट का, वो इस टाइप का राउंड ब्रूड शेप बनाता है। तो इनके एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं, मीन्स हर पेड़ की कुछ उसकी लाइफ हिस्ट्री है, कि कैसे वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जाता है, और वो अपनी पूरी लाइफ ड्यूरिंग में कुछ कैरेक्टर शो करता है, और इनके कैरेक्टर के ऊपर कैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर रिस्पॉन्स देते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ये किस टाइप से अपने आप को चेंज करता है। तो इस टाइप की जो ऊंच नीच होती है, इस सब की स्टडी को ही हम बोलते हैं सिल्विक्स, ठीक है। मतलब किसी भी प्लांट की लाइफ हिस्ट्री याद करना, और उसकी याद रखना, और उसके जनरल कैरेक्टर्स, ये है सिल्विक्स। तो एक्चुअल में अगर हम सेंस देखा जाए, तो सिल्विक्स जो है वो एक समझ लो वो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, जिसमें हमें ये, यानी कि ऐसे लिख लो कि यहाँ पर अपन को टीक की प्लांटेशन करना है। टीक प्लांटेशन मतलब टीक हो गया ये पेड़ अपना, ये नेल जो है वो है अपनी टीक कील। लेकिन इस पेड़ को उगाने का जो तरीके हैं, जो टैक्टिक है, वो है अपनी सिल्वी कल्चर, सिल्वी कल्चर, ठीक है। लेकिन सिल्वी कल्चर कैसे काम करेगी, किसी पेड़ पे सिल्वी कल्चर के कौन से कॉन्सेप्ट लगेंगे, वो आपको तब पता लगा सकते हो। यानी कि देखो कॉनिफर्स वालों पे जो कॉन्सेप्ट लगना, वो ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वालों पे तो नहीं लगेगा। तो सिल्वी कल्चर यानी कि बहुत सारे हथियार तो आपको पता है, लेकिन किस पेड़ को कौन से हथौड़े से ठोकना है, पीटना है, वो कैसे समझ में आएगा, वो आपको पता होना चाहिए कि उस पेड़ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, यानी कि उसकी सिल्विक्स क्या है। तो जो उसकी सिल्विक्स है, यानी कि जो आपके ब्रेन में उस पेड़ के बारे में कॉन्सेप्ट है, कि उसी के अकॉर्डिंग आप अपना हथौड़ा चलाओगे, तब वो पेड़ लगाओगे। तो सिल्विक्स, सिल्वी कल्चर एंड टिक, इन तीनों को चीजों को समझ में आ गया होगा। अब मुद्दा ये है कि आखिर हम ये सिल्वी कल्चर की स्टडी करते क्यों, यानी कि हमारा बेसिक पर्पज क्या है। तो देखो पर्पज ये है फॉरेस्ट्री या सिल्वी कल्चर का, तो पर्पज ये है कि फॉरेस्ट उगाना। लेकिन एक्चुअल में अगर आपको ये सिल्वी कल्चर की स्टडी नहीं है, तो आप क्या करोगे, कल 10 पेड़ की नर्सरी लेके आओगे, खेत में लगा दोगे और ग्रो करने दोगे।
अगर आपको नॉलेज नहीं है तो क्या है कि वो ऐसे नेचुरल ग्रो करते रहेंगे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट आपको बिल्कुल राइट टिम्बर नहीं मिलेगा, यानी कि उसकी क्वालिटी है वो गिर जाएगी। अगर आप उसका कंपोजिशन सपोज 100 के 100 पेड़ आपके अगर टिक के थे और कभी कोई अटैक हो गया डिफोलिएटर का, पत्ती खा जाता है, तो आपके क्या होगा कि पेड़ पूरे पूरे बर्बाद हो गए। 40 यानी कि 30 साल का अगर रोटेशन था टिक का आपका, 25 साल तक सब कुछ ठीक रहा और लास्ट के 5 साल में अगर फसल बर्बाद हो गए तो आप तो रोड पे आ गए, स्पेशली जब आप कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री कर रहे हैं। तो इस टाइप से आप उसके कंपोजिशन को भी मैनेज करते हो मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग। तो जो टैक्टिक है यानी कि जो आपका प्रैक्टिकल है वो क्या है, आप एक तो याद रखोगे कि अगर ब्रॉड लेवल पे जब करते हो तो फॉरेस्ट का कंपोजिशन याद रखना होता है, यानी कि मैनेज करना होता है। रीजन क्या है, अगर सपोज 1 हेक्टर था, 100 हेक्टर का आपका पास फॉरेस्ट एरिया था, कितने का 100 हेक्टर का, अब पूरे में अगर आपने टीक की प्लांटेशन कर रखी है, ठीक है, टीक क्या करता है जैसी जैसी गर्मियां आई पत्तियां झाड़ दी, थोड़ा वो हीट मिली यहाँ पर लग गई फायर, फायर लग गई तो पूरी प्लांटेशन बर्न होके साफ हो गई, उसे तो कोई रुकने वाला। तो इस टाइप से क्या हुआ, आपके पूरा पूरा वर्क गया, वॉश आउट हो गया। तो आप क्या करोगे कि इस जो एरिया में है यहाँ पर कुछ पेड़ ऐसे लगा दो कि जो एवरग्रीन टाइप के हो, मतलब जो अपनी पत्तियां नहीं झाड़ते होंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा कि अगर फायर यहाँ इस एरिया में लग गई तो ये एक टाइप से उसे ब्लॉक करने का काम करेंगे, तो ये फायर इस एरिया में नहीं पहुंच पाएगी, स्प्रेड नहीं होगी। तो इस टाइप से आप उसको कंपोजिशन मेंटेन करते हो। दूसरा कंपोजिशन का पर्पज अपना क्या होता है, मार्केट डिमांड जो है वो उसके अकॉर्डिंग, मार्केट डिमांड में टीक है वो तो 100 पेड़ लग सकते हैं और 50 पेड़ साल के लग सकते हैं, तो यहाँ पर टीक और साल दोनों को ग्रो करेंगे, ठीक है। दूसरा मैंने बोला आपको लार्ज वॉल्यूम पर यूनिट एरिया, मैंने आपसे बोल दिया जब आपको कोई आइडिया नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, हर हर 10 मीटर पे पेड़ लगा दोगे, कितने पे 10 मीटर पे, बोलोगे कौन बीच बीच में काटेंगे, पेड़ों को तो वैसे भी 10 मीटर पे फाइनल एज में चाहिए। इसका रिजल्ट ये होगा कि अगर 10 मीटर पे कर दी तो ये जो बकाया का 9 मीटर का जो बीच का स्पेस है, ये वाला ये 9 मीटर का जो स्पेस है खाली पड़ा रहेगा अगले 30 साल तक, तो ये लैंड की बर्बादी हुई जमीन के। तो उसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करना, और दूसरा ये खाली पड़ी रहेगी तो यहाँ ग्रास रास वगैरह उगाएगी, सॉइल इरोजन के चांसेस हैं। तो इस टाइप से आप उस जो साइट है उसका इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर पाए। थर्ड होता है रोटेशन पीरियड। देखो एक पेड़ है, अगर आज आप सीड लगाओगे वो ग्रो हो करके जब तक मैच्योरिटी तक पहुंचेगा, जब आप उसे काट सको वहां तक सपोज लगते हैं आपको 10 साल, फॉर एग्जाम्पल 10 ईयर लगते हैं, आपने यूकेलिप्टस लगा रखा है, अब इसी टाइप से आप चलोगे तो 10 ईयर लगे, 10 ईयर बाद फिर आपने वहां पर फिर सीड लगाया, फिर 10 ईयर लगे, तो अगर 10 10 साल लगेंगे तो आप यहाँ पर 100 साल में कितनी क्रॉप ले पाओगे, 10 साल 10 क्रॉप्स ले पाओगे। अगर आपको सिल्वीकल्चर का नॉलेज है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो सीड सोविंग कर रहे थे सीड सोविंग नहीं करोगे, यहाँ पर नर्सरी जो एरिया है वहां पर आप सीड सो करोगे, और यहाँ पर जब तक कटिंग वाला पीरियड आएगा ना तब तक यहाँ 2 साल की आपने नर्सरी कर रखी होगी, यानी कि पेड़ को 2 साल तो नर्सरी में जो स्टार्टिंग के जो टाइम है ना उसे नर्सरी में ग्रो कर दिया, तो जहां पर सीड का लगाया था तो वहां पर सीधा 2 साल की नर्सरी लगा दी। उसका रिजल्ट क्या होगा कि ये जो 10 साल लगते थे वो अब 8 साल ही लगेंगे, तो जो आप 10 क्रॉप्स जो है या 10 रोटेशन जो है वो 100 साल में ले पा रहे थे वो आप 80 ईयर्स में ही हो जाएंगे, ठीक है। इस टाइप से आप ज्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे। तो दूसरा पर्पज अपना रोटेशन घटाने का। तीसरा, अगर कहीं एफोरेस्टेशन या रिफोरेस्टेशन वर्क है तो आप नेचर पे तो डिपेंड नहीं कर पाओगे ना, आपको खुद ही आर्टिफिशियल करना पड़ेगा। मोदी जी ने अभी जो अपना UNFCCC वो कॉम्बैट डेजर्ट, सॉरी यूएन का जो था डेजर्टिफिकेशन कंट्रोल डेजर्टिफिकेशन कन्वेंशन ऑन कंट्रोलिंग डेजर्टिफिकेशन ऑफ जो अपना सॉयल हो रहा उसका, तो उसमें क्या बोल रखा था कि हम 25 से 30 मिलियन हेक्टर को हम उसमें कवर करेंगे। तो इस टाइप से आपको एफोरेस्टेशन ही करना पड़ेगा वहाँ, या फिर कोई एक्जोटिक स्पीसीज है तो एक्जोटिक को ऐसा तो नहीं है कि उखाड़ के लेके आए और अपने खेतों में लगा दिया, उसे उसे कंट्रोल एनवायरनमेंट में ग्रो करना पड़ता है, और वो तभी ग्रो कर पाओगे जब आपको उसका ये पता हो कि इसे किस टाइप का एनवायरनमेंट चाहिए, ये किस टाइप का प्लांट होता है, मतलब आपको उसकी सेल्विक्स पता होना चाहिए और उसकी सेल्विकल्चरल नॉलेज पता होनी चाहिए, तभी आप एक्जोटिक को सही तरीके से इंट्रोड्यूस कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, यहाँ लगा दोगे और वो फेल हो जाएगी। यानी कि मैनमेड फॉरेस्ट अगर बनाना है तो आपको सिल्वीकल्चर और सिल्विक्स की नॉलेज होना कंपलसरी है।
अब लास्ट देख लेते हैं कि सिल्वीकल्चर की जो अदर ब्रांचेस हैं उनके साथ किस टाइप का रिलेशन है। देखो मेन ग्रुप तो अपना फॉरेस्ट्री है, तो आसान करने के लिए अपन फॉरेस्ट्री को क्या करते हैं, फॉरेस्ट्री के अंडर जो प्रैक्टिसेस हैं उनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक है इसमें फॉरेस्ट मेंसुरेशन, इसमें क्या करेंगे ट्री का वॉल्यूम जो है उसको मेजरमेंट से करने से पर्पज है। वॉल्यूम क्यों मेजर करते हैं, हमने कोई सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन उस पर अप्लाई किया, उस अप्लाई ऑपरेशन का कुछ इफेक्ट पड़ भी रहा है या नहीं पड़ रहा है, तो जो उसके वॉल्यूम में चेंजेस आएगा वो देख लेते हैं। वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, या तो टिम्बर हो सकता है या कोई हमारा गुड्स हो सकता है, मतलब वॉल्यूम मास भी हो सकता है, वेट भी हो सकता है। यूटिलाइजेशन ये जब आपने पेड़ लगाए तो उनका काटने का काम है। फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स, फॉरेस्ट्री जो मैनेज कर रहा है उसे एक इकोनॉमिक प्रिंसिपल अप्लाई करके कर देना। फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी पैथोलॉजी, जो उस पर इंसेक्ट अटैक कर रहे हैं, पैथोजन अटैक कर रहे हैं, उनको मैनेज करना। लेकिन ये कितनी भी ब्रांचेज हों, जो अपनी 14-15 ब्रांचेज बनती हैं इसमें फॉरेस्ट्री में, उनका जो एक बेसिक काम हब का काम करता है वो करता है अपना सिल्वीकल्चर। क्योंकि सिल्वीकल्चर मतलब किसी प्लांट की बेसिक नॉलेज, आप कोई भी अप्लाई करोगे वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं अपन पेड़ की कंपोजिशन में चेंज करके उस चीज को करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल एक अपना है जैसे कि फॉरेस्ट पैथोलॉजी। अब पैथोलॉजी में क्या है, अगर आपने यहाँ पर जो आपका एरिया था उसमें आपने 100 प्लांटेशन लगा दी थी किसकी, टीक की। अब अगर पूरा का पूरा टीक रहेगा और कभी कोई सपोज टीक की था 40 ईयर इसका था रोटेशन, ठीक है। अब 40 ईयर में अगर 35th वाले जो ईयर था उसमें अगर यहाँ पर कोई डिफॉलेटर ने अटैक कर दिया तो ये तो पूरी फसल बर्बाद हो गई। तो आप क्या करोगे कि ये 100 पेड़ जो थे टीक के, ये 100 पेड़ ना लगा के एक काम करो, यहाँ 80 तो लगा देंगे हम टीक के और 20 कोई और वैल्यूएबल स्पीसीज लगा देंगे, मतलब यहाँ पर मिक्स कर दोगे। मिक्स करना क्या कॉन्सेप्ट है, वो है सिल्वीकल्चर का, ठीक है। मिक्स करना है सिल्वीकल्चर का कॉन्सेप्ट है। उसका रिजल्ट क्या होगा, इंसेक्ट जब अटैक करेगा, जैसे मैंने बोला फायर का डैमेज, ये यहाँ पर जो अपना टीक लगा था यहाँ पर ये लगा था, फिर ये टीक था और यहाँ पर ये दूसरी स्पीसीज थी, तो अगर इंसेक्ट ने अटैक इधर से किया तो ये यहीं के जो टीक के थे उन्हें तो बर्बाद कर दिया इसने, लेकिन ये आगे नहीं जा पाया, इसने कहीं ना कहीं बीच वालों ने ब्लॉकेज का काम किया इन्हें। तो इस टाइप से जो डिजीज रेजिस्टेंस है या डिजीज का जो अटैक है उसको कम करने या उसे ब्लॉक करने में ये मिक्सिंग करना हेल्प करती है पैथोलॉजी में। तो ये क्या कहाँ से कर लिया, सिल्वीकल्चर ने काम। ऐसे ही वो एंटोमोलॉजी में करेगा, मेंसुरेशन में भी वही होगा। तो इस टाइप से ब्रांचेज नोट से पढ़ लेना, ऐसा कुछ उसमें है नहीं। अब मेन मुद्दा आता अपना इसका एप्लीकेशन पार्ट एक्सरसाइज। क्वेश्चन ये था, जस्टिफाई स्टडी ऑफ सिल्विक्स एसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया। ये इंडिया में जो एफोरेस्टेशन प्रोग्राम्स हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो यही बोल रहा है कि यूजुअली होता क्या है कि जो हमारे फॉरेस्ट के प्लांटेशन वर्क हैं वो फेल हो जाते हैं। उसके पीछे रीजन ये होता है कि हमें सिल्वीकल्चर यानी कि उसका जो ब्रेन है यानी कि सिल्विक्स है, सिल्वीकल्चर तो हथौड़ा है, हथौड़ा तो कोई भी पीट के चला जाता है, लेकिन ये देख पता होना चाहिए कि हथौड़ा कैसे पीटना है, कितना पीटना है। तो जो सिल्विक्स की स्टडी है, सिल्विक्स की नॉलेज है, उसकी कम इंफॉर्मेशन होने की वजह से हमारी अक्सर जो एफोरेस्टेशन प्रोग्राम है वो फेल हो रहा है। क्वेश्चन का सेंस तो वही है, तो आपको उसकी नॉलेज होना कंपल्सरी है, जरूरी है, उसको जस्टिफाई करना है, एसेंशियल है। तो आप लिखोगे कैसे, तो पहला इंट्रोडक्शन में सीधा सा पार्ट लिखिए, इंट्रो और बॉडी आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये तो जस्ट समझाने के लिए लिखा। आप डायरेक्ट सीधा वहां से सिल्विक्स को सीधा डिफाइन कर दोगे, सिल्विक्स इज द स्टडी ऑफ लाइफ हिस्ट्री एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरेस्ट्री विथ रेफरेंस टू किसी लोकेलिटी फैक्टर्स है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, आप स्टार्टिंग में जो बॉडी का जो पार्ट लिखोगे वो कौन सा पार्ट लिखोगे, यहाँ पर आप इस क्वेश्चन की जो आत्मा है उसे लिखोगे कि हमारे यहाँ एफोरेस्टेशन जो वर्क है वो जनरली फेल हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि हम कोई स्पीसीज तो सिलेक्ट कर लेते हैं। बोला कि क्या करना है, चंबल वालों का इशू था, बोला कि अफगानिस्तान से कोई पेड़ उखाड़ लिया और यहाँ लगा देंगे, या रसिया से कोई पेड़ लेके आ जाओ लगा दो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रसिया में जो पेड़ है वहाँ का इन्वायरमेंट है वो कॉनिफर्स है, उसकी रिक्वायरमेंट, और चंबल के जो है सॉइल टेम्परेचर है, लाइट है, जो बायोटिक फैक्टर, इन सब की रिक्वायरमेंट
उसकी और यहाँ की जो फैक्टर अवेलेबल हो रहा है इनमें डिफरेंस है। तो पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वहाँ फैक्टर उसे चाहिए क्या है और हम दे क्या रहे हैं। अगर उसकी डिमांड ही कंप्लीट नहीं हो रही तो फेल तो होना ही होना है। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को डिफाइन कर दे, मतलब उस चीज़ पे कौन से आपका जो बॉडी का स्टार्टिंग पार्ट है वो यही बना देना है, ठीक है। फिर आपको दिखा देना है, बताना है कि कैसे आपकी ये जो लोकलिटी फैक्टर्स हैं सीकेंड आगे वो प्लांटेशन को अफेक्ट कर देते हैं। जब आपने पहले ये फैक्टर के बारे में आपने बेसिक इशू राइज कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ फैल हो जाती, क्यों? क्योंकि ये लोकलिटी फैक्टर का मुद्दा हो गया। अब आपको थर्ड पार्ट यानी कि लास्ट में जो इस क्वेश्चन का मेन थीम है, मेन थीम जो है वो देखो, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जब भी कोई क्वेश्चन लिखो जो उसका मेन थीम है, वो मेन थीम कम से कम इसका 60 से 70% पार्ट बनाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही ये गया है। आप जो उसका इंट्रो पार्ट जो उसके बोलते हैं इसे बैकग्राउंड या भूमिका बनाना, वो तो उन्हें पूछा थोड़ी था, वो तो एक्स्ट्रा बना रहा है ना, जिससे एक सिस्टमेटिक लगे, अच्छा लगे। तो ऐसा नहीं कि कई बार होता क्या कि लोग भूमिका को तो इतना लिख देते हैं इसका कि जो पर्पज है उसे छूट छूट जाता है, ऐसे 50% या 40% लिखा और मैंने खाली पीली की चीजें लिख के आ गए। तो जो बेसिक चीज है उसको सबसे पहले, मतलब मेजर पार्ट कवर होना चाहिए। तो जब एक बार आपने उसको बता दिया है, तो अब आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि कैसे सिल्विक्स की या सिल्विकल्चर की नॉलेज, मेनली सिल्विक्स की, कैसे सिल्विक्स की जो नॉलेज है वो हम इन फैक्टर को कम कर सकते हैं, लोकलिटी फैक्टर को, और प्लांटेशन को सक्सेसफुल बना लेंगे। यानी कि कैसे ये सिल्विक्स की नॉलेज उन फैक्टर के जो इफेक्ट है उसको कंट्रोल करती है, कम करती है, जिससे हमारे जो प्लांटेशन की जो फेल्योर वाला इशू है उसे कम हो सकता है या कम किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक रहता है स्टेक होल्डर एनालिसिस। मैं हमेशा बोलते हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन लिखो उसके स्टेक होल्डर को एनालाइज करो कि कौन कौन सा स्टेक होल्डर है। मीन्स इन दैट क्वेश्चन, ये जो अपना है इसमें क्या है, एक तो आपका प्लांट है, इसमें अपना 4F वाले फैक्टर को ध्यान रखो, मतलब एनवायरमेंट, एडाफिक, टोपोग्राफिक और बायोटिक। इसके साथ इसका जो फैक्टर है खुद का भी जेनेटिक्स है, तो इन फैक्टरों को ध्यान रखो। तो इससे क्या होता है कि अगर क्वेश्चन को लिखना नहीं आ पा रहा है कि क्या लिखूं, तो कम से कम आपको बेसिक पिलर है कि ये चार तो है, इन चारों में जो जो पॉइंट याद हो जाए उन्हें एक साथ इनलिस्ट टाइप का, मतलब वन बाय वन करके उन पे ध्यान दे करके आप अगर लिखोगे तो थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब अपना मुद्दा आ जाता है फोर्थ वाला पिलर, जो था रोल ऑफ फॉरेस्ट। देखो फॉरेस्ट अपने हमेशा दो ही टाइप के रोल करते हैं, एक होता है प्रोडक्शन वाला और दूसरा है प्रोटेक्शन वाला। अब आपको पता है जो प्रोड्यूस होगी, जो मटेरियल निकलेगा फॉरेस्ट से सीधा डायरेक्ट मॉनेटरी, जब भी कभी कहीं कहीं जहां भी मनी होगी वहां टेंशन होगा। एक्चुअली मुझे ये टेंजिबल इंटेंजिबल जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं थोड़ा कंफ्यूजन आता है कि कौन सा टेंजिबल है कौन सा इंटेंजिबल। तो जो मनी से रिलेटेड हो, जो टेंशन देती हो वो टेंजिबल, जो टेंशन नहीं देती वो इंटेंजिबल। तो टेंशन क्या देती है, जैसे कि पेड़ है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी टेंशन है पेड़ काट लेगा लोग, मतलब टेंजिबल। फ्यूल वुड है, नॉन वुड नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। ये NTFP को याद रखो, क्योंकि होता क्या है कि कई बार वो शॉर्ट में सीधा क्वेश्चन में ही लिखा मिल जाएगा NTFP। अब ये NTFP क्या है तो ढूंढते रहो, तो सीधा सीधा उसे याद रखो कि NTFP वो लिख के दे देते हैं। दूसरा फोडार है, गम है, रेजन है, डाइज है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें सीधे सीधे टेंजिबल बेनिफिट है। इंटेंजिबल यानी कि जो उसके प्रोटेक्शन पर्पस है, जैसे कि सॉइल को एमिलियरेट करना, CO2 साइकिल है, वाटर साइकिल है, रन ऑफ है, विंड वेलोसिटी है, ये दुनिया भर के चलते अपने प्रोटेक्शन से रिलेटेड वो है। तो ये टेंजिबल इंटेंजिबल बेनिफिट को आप समझ सकते हो। अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेस्ट इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। फॉरेस्ट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में क्या क्या रोल प्ले करते हैं, तो यहाँ पर जो आपके ये इंटेंजिबल वाले थे इनमें लिख लो, बस इन्हें एक्सप्लेन करना है। CO2 बैलेंस है वो कैसे करता है वो दो लाइन में लिख दो उसे। वाटर साइकिल, अब ये तो नहीं है कि मैं वाटर साइकिल समझाऊँ, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतना चीज़ें पता है। दूसरा यहाँ प्रोटेक्टिव रोल, प्रोटेक्टिव मतलब इंटेंजिबल बेनिफिट सीधे सीधे पूछ रखा, यहाँ तो इन्हें पूछ ही रखा है टेंजिबल एंड इंटेंजिबल बेनिफिट। या यहाँ पर फिर अगेन आया था रोल ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ये 2009 में भी आया था और सेम क्वेश्चन आ गया 2006 में, ठीक है, ओके।
अब अपना आता है लास्ट पार्ट, ये है हिस्ट्री, फॉरेस्ट फॉरेस्ट और इसका। ये जो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, हिस्ट्री का पर्पज अपना केवल उन्हीं एग्जाम के लिए है। आईएफएस में इसका कोई पर्पज नहीं है, क्योंकि यहाँ से अपने को जनरली कुछ आता नहीं है। एक है जो 1894 के टाइम पे वोल्कर रिपोर्ट आई थी, बस उसका है, तो वो फॉरेस्ट पॉलिसी में पढ़ लेंगे, यहाँ पर उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसे आईएफएस वाले स्कैप मार दें, जो एमसीक्यू वाले हैं उन्हें ध्यान देना है। यहाँ पर मैं कोई आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाने वाला, जो आपके नोट्स है उसमें सब कुछ है कि कैसे ये एंशिएंट इंडिया में क्या था, मिडिवल इंडिया में क्या था, और ब्रिटिश और आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या हुआ। वहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट है उसमें पूरा का पूरा स्टार रेटिंग है। जो स्टार है एक्चुअली, ये स्टार पहले आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। यहाँ पर जैसे एक तो ये पूछा जाता है कि ये इस पर शायद स्टार लगाना है, नोट्स में लगा लेना, ये पूछा गया। तो सबसे पहले इंडिया में जो टीक, ये यूकेलिप्टस है, वो किसने इंट्रोड्यूस किया, पहला क्वेश्चन है, यूकेलिप्टस इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया, तो वो कौन है, टीपू सुल्तान। कब किया था, 1790 में। कहाँ किया था, नंदी हिल, मैसूर का था तो मैसूर में करेगा ना, नंदी हिल। बाद में ये इसलिए क्यों इशू है, क्योंकि हमें लगता है कि वो जब ऑप्शन आते हैं ना, तो ऑप्शन में क्या होता है कि वो थोड़ा मजा ले लेते हैं लोगों के, मतलब जो स्टूडेंट है वो तीन ऑप्शन इस टाइप से ले लेंगे कि इंडिया में सबसे पहले जो प्लांट ये यूकेलिप्टस को इंट्रोड्यूस किसने किया, कोई कैप्टन वाटसन फलाना ढिमका, ऐसे ए बी सी दे देते हैं, और जो लास्ट ऑप्शन होता है वो होता है नन ऑफ दीज या टीपू सुल्तान, ज़्यादातर में नन ऑफ दीज दे देते हैं। तो अब लोगों को लगता है कि ये तीनों अंग्रेज हैं, इनमें से किसी ने कर दी होगी, नन ऑफ दीज पे फोर्थ पे जाते भी नहीं है। दूसरा मेन मुद्दा आता है यहाँ अपना, कैप्टन वाटसन से 1806। तो एक्चुअल में जो इंडिया में फॉरेस्ट्री का जो बेस फाउंडेशन या जो नीम है वो शुरू होती है कैप्टन वाटसन से। हिस्ट्री अपन बाद में देख लेंगे, मेन मुद्दा है इसे फर्स्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट सीएफ डिक्लेयर किया जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि ये फॉरेस्ट पे कब्जा बढ़ा रहे थे। देखो ब्रिटिश रूल कब से शुरू हुआ, 1765 से, उसके बाद इन्होंने कब्जा करना शुरू किया। तो ये 86 तक क्या हुआ कि जो ट्राइबल्स हैं, ये पहले तो नॉर्मल एरिया में थे, फिर अब ट्राइबल में पहुंचने लगे, तो अब ट्राइबल जो है वो इनके अगेंस्ट जा रहे हैं। जब ट्राइबल अगेंस्ट जा रहे हैं तो उसको क्या किया जाएगा, मैनेज करेंगे ना उसे। तो ये कैप्टन वाटसन को पहले किया गया कि बोला ये जो ट्राइबल एरिया है, जो ट्राइबल्स जो है, जो हमें यूटिलाइजेशन करने में ब्लॉक कर रहे हैं, इनको कंट्रोल करो। तो इसका फर्स्ट काम ये था, ये कोई कंजर्वेशन का मतलब फॉरेस्ट ग्रो नहीं कर रहा था, ये तो ये कर रहा था कि ये ट्राइबल जो जंगल को काट रहे हैं, जो वैल्यूएबल स्पीसीज जो इनके लिए थी, उन्हें रोको, उन्हें फॉरेस्ट मत काटने दो, जिससे कि इनके लिए बच जाए। बाद में स्टोरी में जो आता है वो आता है 42। यहाँ पर कोनोली जो है वो मालाबार का कलेक्टर होता है, ये यहाँ पर नीलाम्बर टीक प्लांटेशन करता है, ये बहुत फेमस है, इसे GI टैग भी पिछले साल मिल गया था। ठीक है, ये भी पूछा गया है, दर पूछा गया, कोनोली पूछा गया, 42 पूछा गया, 1842, और नीलाम्बर टीक प्लांटेशन। तो इंडिया में सबसे जो पुरानी प्लांटेशन है वो यही है। एक क्वेश्चन आता है कि प्लांटेशन फॉरेस्ट्री कब स्टार्ट हुई, तो ऑप्शन कोई दे देगा कि 1845 में हुई। तो अब भाई ये पहली बार जब प्लांटेशन लग गया है, मतलब प्लांटेशन फॉरेस्ट्री स्टार्ट हो गई, तो उसका आंसर सीधा 1842 के आसपास का जो ऑप्शन होगा, या जो भी ऑप्शन मिल जाए उसे लगा देने का। इसके बाद में आता है ये जो अपना FRI है, वो पहले फॉरेस्ट स्कूल खोला गया था, तो ये फॉरेस्ट स्कूल बना था 78 के टाइम पर। उसी टाइम पे एक्चुअली जो फॉरेस्ट एक्ट है वो आया था अपना 1865 में, बाद में उसे चेंज किया गया 78 में, उसी टाइम पे ये आया था अपना देहरादून में। बाद में उसमें एक चेंज और हुआ था, और लास्ट में वो आया था 1927 में। तो ये 27 वाला अभी तक चल रहा है अपना, इसमें यहाँ पर बीच में एक बार चेंज और आया था, तो इस टाइप से ये थर्ड आ गया था। नंबर याद नहीं रखना कि ये थर्ड है फोर्थ है, बस एक बेसिक था तो इसलिए उसे मेंशन करने की जरूरत नहीं थी, पहले ये आया था और बस इसे लास्ट में इसे याद रखो। एलिफेंट रिजर्व फर्स्ट ये था, 1883 का ये आता अपना बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी वाला है। आफ्टर इंडिपेंडेंस ये 48 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री बना, ये दर पूछा गया क्वेश्चन, 10 से 12 बार ये कम से कम मिल जाएगा। फिर आता है MD चतुर्वेदी, ये फर्स्ट इंडियन IGF था, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। वन महोत्सव 50 में शुरू किया गया, ये किसने किया, के एम मुंशी, ये मुंशी को भी पूछा गया। ठीक है, कब किया, 50 में। अब होता क्या है कि कुछ इधर उधर के जो 5-6 टाइप की बुक्स होती हैं, वो कोई कोई उसे 1952 दे देता है,
तो इस टाइप को ध्यान नहीं रखने का, वो 50 है 50 ही रहेगा। ठीक है, लास्ट में आता है इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये कब बना, 52 में। ये तीनों चीजों को याद रख लेना। लिस्ट बहुत लंबी है, सबको बताने की जरूरत नहीं है, आप एक बार में पढ़ लोगे याद हो जाएगा। इन दैट केस आपको यहाँ पर चार एक्सरसाइज हो रखी हैं, चार एक्सरसाइज हैं, आपका काम है कि जब वीडियो आप देखो इनको A4 पेपर पर लिखो, और जो आपका पर्सनल चैट जो सब्सक्राइबर हैं उनका जो पर्सनल जो प्राइवेट ग्रुप है इसका, आपका काम है कि उस ग्रुप पे अपने जो आंसर है उन्हें अपलोड कर दो। देखो ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि मैं अगर 20 लोग हैं तो हर आदमी की कॉपी चेक करूँ, ये तो पॉसिबल नहीं है। बट आपका अपलोड करने के दो बेनिफिट हैं। फर्स्ट तो ये है कि आपके जब आप अपलोड करते हैं तो 20 जो अदर हैं वो भी अपलोड करते हैं, आप अपने क्वेश्चन को वहाँ ध्यान देंगे। आपको करना कैसे है, आप या तो अपनी जो फाइल अपलोड कर रहे हैं उसे लेक्चर वन लिख करके अपलोड कर दो, या जो आपका जो टाइटल है क्वेश्चन का, मीन्स जैसे फॉरेस्ट है या फॉरेस्टी या सिल्वी कल्चर है, उसका चैप्टर वन के चैप्टर लिख करके उसको इस टाइप से फाइल अपलोड कर दो। तो जब आप अपना क्वेश्चन लिखते हो तो जो अदर के क्वेश्चन है उसे देख करके कई बार आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये चीज़ें मैंने छूट गई हैं, ये भी क्वेश्चन में होना चाहिए था। तो वहाँ पर आपको एक दूसरा बेनिफिट मिल जाता है कि कुछ जो रिमेनिंग चीज़ें वो बेनिफिट में हो जाए। दूसरा, जहाँ तक पॉसिबल होगा अगर मैं चेक करता हूँ तो वहाँ पर एक मॉडल आंसर जो भी है वो मिल जाएगा आपको। यूजुअली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो आपको 5 ईयर का मिलेगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन तो उसी में से मिल जाएंगे, तो ऐसा कोई इशू रहेगा नहीं।